कहीं शुरू करें। जो बच्चे ऐप पे लेक्चर देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, जो बच्चे यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि राजा आपका जो लेक्चर्स होगा वो एप्लीकेशन पे होगा, यूट्यूब पे बस हमने डेमो के तौर पे अपलोड किया है इसको। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि चैट्स जो है वो मोस्टली मैं सारे एप्लीकेशन में देख रहा हूँ। जो यूट्यूब में ये लेक्चर अपलोड होगा वो डेमो की तरह अपलोड होगा, ठीक है? ऑलराइट, चलो गाइस शुरू करें। ठीक है, तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर योर सीए इंटरमीडिएट लॉ, जिसका पूरा नाम है लॉ, जिसका पूरा नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। दोस्तों क्या करने वाले हैं सर आज के सेशन में अपन, और आज का सेशन में और आगे के सेशन में आने वाले सेशन में क्या करने वाले हैं, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जहां आप मेरे को इतने घंटे सुनने वाले हो वहां पे मैं 2 मिनट लगा करके एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इतने समय जिसको आप सुन रहे हो वो है कौन, कहां से आई है, कहां को जाएगी, नहीं वो नहीं वो नहीं, कहां क्या पढ़ाने वाले हो, कैसे पढ़ाने वाले हो, क्या तौर तरीके होने वाले हो, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। तो शुरू के आधे घंटे से 45 मिनट जो है वो हम लोगों का इंट्रोडक्शन अबाउट मी, इंट्रोडक्शन अबाउट द सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लासेस होंगे, और उसके बाद हम फुल फ्लेज्ड जो है आज ही के सेशन में हम अपने सिलेबस को भी शुरू कर लेंगे और वो चीजें करने लग जाएंगे जो हमारे एग्जाम में आती है। तो मेरी बात आराम से सुनते जाना, ठीक है, मेरी बात आराम से सुनते जाना और समझते जाना, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो एकदम चैट में पूछ लेना, जैसे ही मैं कहीं पे पॉज लूंगा तो मैं वहां पे आपका चैट देख करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार अपने आपको इंट्रोड्यूस करा लूं, माई नेम इज सी ए शुभम सिंगल एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई क्लियर माई सी ए फाइनल एग्जाम बैक इन नवंबर 2018 का जो एग्जाम था उसमें मैंने दिया था, एंड आई क्लियर माई सी ए फाइनल्स। तो मैं अपना फाउंडेशन और इंटरमीडिएट जो है वो मैंने रायपुर से किया, रायपुर छत्तीसगढ़। आई बेसिकली बिलोंग टू ओडिशा, मैं ओडिशा में बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, और उसके बाद मैंने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के लिए आई वेंट टू रायपुर छत्तीसगढ़, वहां से मैंने इंटरमीडिएट क्लियर किया। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद वो होता है ना ITTOC वगैरह, उसके लिए मैं चला गया नागपुर। डेढ़ महीने में नागपुर में था, नागपुर में रहा, बहुत ज्यादा मस्ती करी भाई, कोई ITTOC के नाम पे बहुत मस्ती करी, और उसके बाद फिर मैं चला गया अपनी आर्टिकलशिप करने, जो मैंने करी मुंबई में। सो आई डिड माय आर्टिकलशिप इन मुंबई विद डेलॉइट हैस्किंस इन सेल्स। डेलॉइट पता है आपको क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज डेलॉइट? डेलॉइट इज अ बिग फोर, और वो बिग फोर में मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी। और आपको पता है ना बिग फोर कितने बिग फोर होते हैं, क्या मेरे को बता सकते हो कितने बिग फोर होते हैं? 4 बिग फोर होते हैं भाई, लॉजिकल सी बात है, डेलॉइट, KPMG, EY और PwC, ये 4 बिग फोर होते हैं। तो ये चारों डेलॉइट में मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी, सेक्रेटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में, और उसके बाद मैंने अपना CA दिया जाकर के रांची। तो मैं मुंबई में रहता था आर्टिकलशिप के दौरान, और फिर मैं सीए एग्जाम लिखने चला गया रांची झारखंड। क्यों? मेरे को पता था रांची में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, मेरे को पता था झारखंड में ना रिजल्ट यूं ही आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रांची इसलिए गया क्योंकि रांची में देयर वाज आई हैड अ रिलेटिव, तो मैं वहां पे रुक करके मैं वहां पे आराम से पढ़ाई करके मैंने एग्जाम लिखा। एग्जाम लिख करके नवंबर 2018 में आई क्वालिफाइड माय सीए फाइनल्स, एंड देन आई बिकेम अ सीए, एंड देन आफ्टर दैट सीए क्लियर करने के बाद मैंने अपनी जॉब शुरू करी। जॉब मैंने सिर्फ 2 साल करी, पहले साल बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब करी मैंने। एक सेकेंड रुकना, हाँ जी। तो पहले साल बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब करी मैंने, है ना, इंटरेस्टिंग जॉब में क्या करी सर आपने? मैं मुंबई एयरपोर्ट में काम करता था, मुंबई एयरपोर्ट में वो ट्रॉली देखते हो तुम, ट्रॉली कि सारा इकट्ठा करके एक जगह पे ट्रॉली लगाओ, अरे वो काम नहीं करता था। मुंबई एयरपोर्ट में काम करता था, मुंबई एयरपोर्ट में वहां पे आई वॉज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द सीईओ। तो जो सीईओ थे उस एयरपोर्ट के, आई वॉज अंडर हिम, आई यूज टू असिस्ट हिम, उनके साथ मीटिंग्स वगैरह में जाना, उनकी हेल्प करना, फाइनेंशियल एडवाइस में हेल्प करना, ये सारी चीजें करता था। और उसके बाद एक साल खत्म होने के बाद मैंने एक वेंचर कैपिटल फर्म ज्वाइन किया, और वेंचर कैपिटल फर्म में मैंने काम किया। सर इतना बोरिंग इंट्रोडक्शन, हाँ इतना बोरिंग इंट्रोडक्शन, पर आगे चल के धीरे धीरे बताऊंगा वेंचर कैपिटल क्या होता है, ये सब आप लोगों के लिए जानना जरूरी होता है, पर क्लास के दौरान नहीं, अलग से आपको सारी चीजें मैं सिखाता चलूंगा। पर अभी हम हो गई मेरी बात इतनी सी बस, ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सिर्फ आपके बारे में और आपके एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है लॉ, ठीक है। पर उसके पहले मैं एक बार चैट में चाहता हूं आप लोग एक बार जोर जोर से सारे लोग एक बार हाय 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 मारो भाई, इतना इतना ठंडा मत रखो चैट, मेरे को चाहिए आप लोग बहुत सुपर एक्टिव रहो सेशन के दौरान, तो प्लीज चैट में एक बार हाय मारो फटाफट, चलो फुल स्पीड। बताओ, चलो बहुत बढ़िया,
वेरी गुड, मधुर, वंशिका, सचिन, प्रथमेश, गौरी, आनंद, उमा, प्रिया। चलो ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात सुनो दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लास में हम क्या करेंगे सर, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, अब मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। छोटी छोटी चीजें समझते जाना और छोटी छोटी चीजें मेरे साथ आगे बढ़ते जाना, तब जाके आपको समझ आएगा। सबसे पहले सर एक बात कर लेते हैं, सबसे पहले लॉ के बारे में बात करते हैं। बहुत बच्चे मेरे को सबसे पहले ये कहते हैं सर लॉ हमारी वीकनेस है, हम फाउंडेशन में लॉ की वजह से ही लटके थे, या फाउंडेशन में लॉ की वजह से लटकते लटकते रह गए, या हम बीकॉम रूट से और हमको थियरी पोर्शन इतना पता नहीं होता, या हमको समझता ही नहीं है, आता सब है लिखते नहीं बनता। सर ये लॉ की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या आप हमारे लिए सॉल्व कर दोगे? मैं सॉल्व कर दूंगा, बस एक शर्त है मेरी, आज के बाद ना भूले भटके किसी को भी मत बोलना लॉ मेरी वीकनेस है। आज के बाद भूले भटके किसी को भी मत बोलना कि लॉ हमारी वीकनेस है। अगर कोई भी आपसे पूछे तो उनको बोलना कि लॉ तो मस्त जमता है, एकदम मक्खन की तरह जमता है। क्यों सर? बिकॉज देयर इज अ सेइंग, फेक इट टिल यू मेक इट। क्या कहा मैंने? फेक इट टू यू मेक इट। जब तक सच नहीं हो जाता तब तक ऐसा दिखाओ जैसे कि सच है। अब दोस्तों क्या होता है लॉ में, आप जितनी बार ये बोलोगे फाउंडेशन में कि ये मेरी वीकनेस है, मेरे को नहीं जमता, मेरे को नहीं जमता, उतना ही तो नहीं जमेगा ना सर। कोई भी सब्जेक्ट जब नहीं जमता है ना, उसका एक ही जवाब होता है, वो आपसे आपका समय मांग रहे हैं। मैं उसको बैठ के थोड़ा सा समय दे दिया ना, उससे थोड़ी सी मोहब्बत कर लीना, तो आपको वैसे ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट जम जाएगा, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हेंस फोर्थ आज के बाद विद इमीडिएट इफेक्ट आप ये बोलना बंद कर दोगे कि लॉ में मेरे को वीकनेस है या लॉ मेरे को लिखना नहीं जमता है। आप हर दिन पॉजिटिव चीजें बोलोगे, जैसे लॉ में मैं मेहनत कर रहा हूँ, लॉ मेरे को पसंद आ रहा है, लॉ में मैं मेहनत कर रहा हूँ, लॉ मेरे को पसंद आ रहा है, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू नेल द सब्जेक्ट। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू रिमूव द फियर ऑफ लॉ फ्रॉम योर हेड एंड मेक इट योर फेवरेट सब्जेक्ट। आई अश्योर यू दैट बाय द एंड ऑफ द सेशन लॉ विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट, दैट आई अश्योर यू। तो दोस्तों ये जो है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आज के बाद आप ये बिल्कुल भी नहीं बोलोगे कि लॉ आपका फेवरेट, लॉ में आपको वीकनेस है या लॉ कुछ भी है, आप ये बोलोगे कि लॉ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। अब दोस्तों मैं आपको इसके आगे बताना चाहूंगा कि हमारी क्लास की अप्रोच क्या होने वाली है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड ब्रांच है, तो आपका क्या अप्रोच होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरी बात सुनना ध्यान से, जब आपको मैंने एक वीडियो भी बना करके बताया था कि जो नॉर्मल रेगुलर क्लासेस होते हैं जिसमें हम स्लो स्लो आराम से पढ़ते हैं, उसमें हम 160 घंटे लगाते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। जब उसी सब्जेक्ट को आप बोलो सर क्या आप इसको 90 घंटे में या 100 घंटे में खत्म करवा दोगे, तो मैंने पूछा क्यों, तो आपने बोला सर क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। है कि नहीं सर? क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया या मैंने कुछ और गलती कर दी जिसकी वजह से लॉ में मेरा कंट्रोल नहीं आया, तो मेरे पास समय की कमी है, तो मेरे को लॉ सबमिट करके चाहिए। अब दोस्तों जब आपने मेरे से 60 घंटे कम कर दिए, 70 घंटे कम कर दिए, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मेरी बात सुनना, सिलेबस कम कर दूं, क्या मैं मेरा कवरेज कम कर दूं? मैं सिलेबस कम नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको 100% कवरेज करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, ये मेरी गारंटी है, आप लिखवा के ले लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे? क्या मैं अपनी स्पीड 2x कर दूं? वो तो तुम वैसे भी करके देखते हो, तो रिकॉर्डेड वाले हो तो तुम तो वैसे भी स्पीड 2x करके देखते हो, तो भैया स्पीड भी मैं नेचुरल स्पीड बढ़ा नहीं सकता, तो हम करेंगे तो करेंगे क्या सर? देखो करेंगे ये कि जैसे रेगुलर क्लास होता है ना, तो रेगुलर क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट को कम से कम 3 बार समझते हैं, शायद हम उसको एक बार समझेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, बस हो गया। ताकि जिनको एक बार में समझ आता है और एक बार रिवाइज कर लिया उसी क्लास में और फिर कल फिर से रिवाइज किया, तो आपको समझ आ जाएगा, टोटल एक बार समझेंगे और 2 बार रिविजन होगा, इतना काफी होता है। रेगुलर में एक बार समझना और 4 बार रिविजन होता है, यहां पे आपका एक बार समझना और 2 बार रिविजन होगा, ये हम आपके लिए, यहां पे हमारा थोड़ा सा समय बचेगा। दूसरा दोस्तों जब हम रेगुलर क्लास करते हैं ना, तो हम फेयर नोट्स बनाते हैं। फेयर नोट्स यानी कि क्या सर? पूरा पूरा कंपनीज एक्ट, पूरा का पूरा अदर लॉ जो है ना, वो हमारे नोट्स में लिख के आ जाता है। पूरी की पूरी चीज हमारी एक नोट्स बन जाती है, जो मेरे अल्टीमेट सोल्यूशन बुक का रिप्लेसमेंट हो जाता है। और अल्टीमेट सोल्यूशन का बुक का रिप्लेसमेंट होते ही, अल्टीमेट सोल्यूशन के बुक का रिप्लेसमेंट होते ही वो आपके लिए क्या हो जाता है? आपके हैंड रिटन नोट्स जो आपके असेट बन जाते हैं। पर राजा सुनो ना, अरे ओ सुनो ना, ये हम यहां नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय की कटौती है, तो मैं आपको फेयर नोट्स नहीं लिखवाऊंगा। पर दोस्तों ये दोनों चीजों के अलावा आपका कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला सर। आप लोगों को क्लास में सारा कंटेंट जो है लिखवा लिखवा के समझाया जाएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होंगे, आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, आपके रिविजन वीडियोज भी बनेंगे, आपके रिविजन ऑडियोज भी बनेंगे, और वो हर चीज होगी जिसकी आपको जरूरत है, और आपके एमसीक्यूज भी खिलाए जाएंगे आपको। तो ये सारी चीजें जो रेगुलर बैच में होती है वो यहाँ पे होगी, पर ये छोटी सी चीजों का फर्क है जिससे मैं अपने नंबर ऑफ आवर्स को कंट्रोल में लेकर के आ जाऊंगा। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है,
बस ना मेरे साथ साथ चलना। यहाँ पे दो तरह के बच्चे हैं, एक जो आज लाइव देख रहे हैं, एक जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे। बहुत भारी मात्रा में रिकॉर्डेड की तादाद होगी, लाइव की जो भी तादाद हो रिकॉर्डेड की तादाद बहुत ज्यादा होगी। तो लाइव वाले बच्चे हैं उनसे भी मेरी कोई रिक्वेस्ट है और रिकॉर्डेड वालों से भी कुछ रिक्वेस्ट है। लाइव वाले बच्चों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया अब आपने लाइव ज्वाइन कर लिया है ना, तो जिस समय पे मैं आप लोगों के लिए लाइव आने वाला हूं जो फिक्स टाइम है उसमें प्लीज लाइव आ जाना। आपने बस आ करके मेरी क्लास में बैठ जाना है, अपना दिमाग खोल करके बाकी मैं संभाल लूंगा भाई। प्लीज बस क्लास में क्या हो जाना चाहिए, तुम लोग आ करके क्लास में बैठ जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हो ना, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे एक विनती है। माना कि आपके पास समय की कमी है, लेकिन आप अगर दिन में तीन तीन चार चार लेक्चर उड़ाओगे मेरे, तो ना लेक्चर निपटाने वाली बात आ जाएगी। लेक्चर निपटाना नहीं है हमको। सुनो, एक चीज होता है, सर बताओ मेरे को क्या चीज अच्छी है कि मैं 10 दिन में 9 घंटे डाल के 90 घंटे वाला सिलेबस मैंने खत्म कर लिया, या मैंने 30 दिन में 3 घंटे डाल के 90 घंटे वाला सिलेबस खत्म कर लिया? विच अप्रोच डू यू थिंक इज बेटर? आप बोलोगे सर समय कम है तो ये कर लो, समय ज्यादा है तो ये कर लो। अरे भाई मेरे को एक बात बता, समय तो उतना ही लगा, कम ज्यादा से कहां फर्क पड़ा? समय तो उतना ही लगा, कम ज्यादा से कहां फर्क पड़ा? जो चीज तुम 10 दिन में कर लिए 9-9 घंटे डाल के, तुम 30 दिन में भी 3-3 घंटे डाल के उतना ही करोगे। बस फर्क क्या होगा पता है, जब तुम 30 दिन में एक चीज को स्प्रेड करोगे ना, तो तुम्हारा रिविजन बहुत फ्रीक्वेंटली होगा। और जब आप 10 दिन में स्प्रेड करोगे ना, तो आप कंटेंट खत्म करते जाओगे, आप रिविजन नहीं करोगे। और सर द बेस्ट अप्रोच इज ऑलवेज दिस, आप अगर अपने एग्जाम के 3 महीने पहले भी अगर मान लो क्लासेस ले रहे हो ना, आई वुड रादर सजेस्ट 30 दिन डाल करके इसको रेगुलर देखो, रादर देन एक दिन में 3-3, 4-4 लेक्चर निपटाना। क्योंकि सर मैं आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसमें ना मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी भैया, कंसिस्टेंटली कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो कंसिस्टेंसी शो करने के लिए कम से कम 30 दिन का तो समय दो क्लास को, कम से कम 30 दिन का तो समय दो। आप अगर उसको 25 दिन 20 दिन में निपटा दोगे क्लासेस को, तो आपको किसी भी तरह का कंसिस्टेंसी सीखने नहीं मिलेगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग योर शेड्यूल वेरी वाइजली, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग एवरीथिंग अराउंड योर सेल्फ वेरी वाइजली एंड अकॉर्डिंगली यू आर एक्टिंग ऑन इट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों के क्लासेस के शुरू के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं हमारी क्लास का अप्रोच क्या रहने वाला है, अप्रोच इन द सेंस मैं क्या करने वाला हूं और आपको मेरे साथ क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों अप्रोच के साथ अब बाद में आपको बताऊंगा हमारे बुक्स के बारे में कि आपको बुक्स का पता होना चाहिए, बुक्स में क्या है क्या नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, अप्रोच में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग क्लास में जैसे ही आप आओगे हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रोविजन है, उसमें क्यों बना, कैसे बना, क्या चीज है, क्या सेक्शन है, क्यों आया, उसका इंटेंट क्या है, सेक्शन में क्या लिखा है, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम कॉन्सेप्ट में समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, जिस आप अभी देख रहे होगे, जैसे मैं बहुत सारे बातें बता रहा हूं, मैं जब बातें बता रहा हूं तो मैं अपने स्क्रीन में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी लिख भी रहा हूं, सारे कीवर्ड्स लिख रहा हूं मैं अपने स्क्रीन में, सब कुछ तो नहीं लिख रहा हूं, कीवर्ड्स लिख रहा हूं। इसको मैं कहता हूं सर स्क्रिबल, इसको मैं कहता हूं स्क्रिबल। स्क्रिबल क्या है सर? स्क्रिबल वो चीज है जहां पर मैं जो बोल रहा हूं उसकी जो कोर पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स है, उसको आई एम राइटिंग इट डाउन इन माय बुक एंड दैट इज कॉल्ड अ स्क्रिबल। एंड आई वांट यू टू बाय अ नोट्स इन विच यू विल स्क्रिबल अलोंग विद मी। व्हाट इज स्क्रिबलिंग? व्हेन आई एम टेलिंग यू सर, देखो थियरी सब्जेक्ट है, घर में बैठे हो, सुबह का समय है, नींद आना बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, मतलब टीचर ऐसा ऐसा करके भी पढ़ाएगा ना तुम बोलोगे नींद तो आ रही है भैया, क्योंकि थियरी और हमारा दिमाग, भाई देखो दुनिया में पहले हमारा दिमाग चाहता है कि भाई मैं टीवी देख लूं, फोन चला लूं, मन भर गया तो मैं कुछ और कर लूं, कुछ और भी नहीं बचा बैठ के पंखा ताड़ लूं, और जब पंखा उतर करके बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चले गई, कुछ भी करने को नहीं है जिंदगी में, मैं सोचता हूं सो जाता हूं, और फिर नींद पूरी हो गई तो मेरे को लगता है थोड़ी सी पढ़ाई कर लूं, तब जाके हम पढ़ाई पे आते हैं कि सारे ऑप्शन दुनिया के खत्म हो जाए तो हम पढ़ाई करते हैं। उसमें अगर तुमको कोई थियरी पढ़ाए और उसमें उनको तुमको कोई बस प्रोविजन बताता जाए तुम क्या बोलोगे? अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना भैया। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट। व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट? दोस्तों क्लास में जो मैं बता रहा हूं ना, अपने घर में बैठे बैठे अपने नोट्स में लिखो, स्क्रिबल करो। स्क्रिबल नोट्स में आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया मेरे स्क्रीन पे देख के नहीं, मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूं उसको कॉपी नहीं करना है, मेरे स्क्रीन का देखा हुआ कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको अपना नोट्स खोलना है और जो मैं बोल रहा हूं वो सुन सुन करके लिखना है, ठीक है? When you do that, तो आप लिखते लिखते, मतलब लिखते लिखते यार कोई इंसान कैसे ही सोएगा, तुम अगर लिखते लिखते भी सो जाते हो ना कि मैं लिख रहा हूं और मैं सो रहा हूं, तो भैया कुंभकर्ण को टक्कर देने वाला आ गया है।
लेकिन तुम लिखते लिखते नहीं सो पाओगे, आप लोगों का ध्यान बना रहेगा और उससे क्या है आपके कॉन्सेप्ट पूरे दिमाग में चले जाएंगे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू विल हैव अ स्क्रिबल नोट्स विच विल गिव यू सो मच ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कल को चल के तुम अगर एग्जाम के 15 दिन पहले या एग्जाम के 1.5 दिन पहले आपने खोल लिया एक सेक्शन 62 और आपको दिख रहा है यार 2 पेज का सेक्शन है यार कैसे करूंगा मैं, तब आप अपने जब स्क्रिबल में जाओगे आपको दिखेगा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना हुआ है, तो आपको समझ आएगा कि भैया हाँ मैंने अच्छे से पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट था, और आपको याद आ जाएगा और चीजें आप रिवाइज अच्छे से कर पाओगे। तो ये स्क्रिबल नोट्स आपकी सबसे बड़ी असेट बनेगी। तो आपको एक नोट्स खरीदना है स्क्रिबल का और उसको बहुत प्यार से दो कलर तीन कलर का पेन यूज करके आराम आराम से एकदम शिद्दत से बनाना है प्यारी हैंडराइटिंग में, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हैंडराइटिंग बनाने के चक्कर में मेरे को रोक रहे हो, क्लास में जितना बनेगा बना लेना, उसके बाद नहीं बन पाया तो 15 मिनट मैं अपने स्क्रिबल नोट्स जो मैं नोट्स बना रहा हूं उसको मैं ड्राइव में अपलोड करूंगा, आप उसको घर जाने के क्लास खत्म होने के बाद 15 मिनट दे करके आप अपने तरफ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है समझे सर। ये हो गया सबसे पहले कॉन्सेप्ट, सर रिविजन, इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसकी हम रिविजन करेंगे। सर रिविजन कैसे करेंगे, कितनी बार कराओगे आप, बहुत सिंपल सा रूल है, सुनना मेरी बात। सर जो कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा ये आज जा करके घर में तुमको करना होगा एक बार रिवीजन खुद से, पर तुमको मैंने बोला खुद से करना पड़ेगा और तुम करोगे नहीं, ये मेरे को पता है। शुरू के 5 दिन जोश में कर लोगे, उसके बाद तुम नहीं करोगे। तो मैं आपको सेम डे, जैसे आज हमने जो पढ़ा, अभी शुरू के 3-4 दिन तो रेलिवेंट नहीं होंगे, उसके बाद से आज हमने जो पढ़ा मैं आपको उसी चीज का रिविजन ऑडियो दूंगा, मैं उसको आपको उसी दिन का रिविजन ऑडियो दूंगा। कुछ अभी पिछले हमारे रेगुलर क्लास से बहुत सारे रिविजन ऑडियोज हमारे पास ऑलरेडी है और बहुत सारे मेरे को रिकॉर्ड भी करने हैं, तो जैसा भी होगा मैं आपको फ्रेश अमेंडेड रिविजन ऑडियोज दे दूंगा सारे। और वो रिविजन ऑडियो, जैसे आज आपने सेक्शन 19 पढ़ा, तो आज आपको मैं रिविजन ऑडियो सेक्शन 19 का अलग से आपके ग्रुप में डाल के दूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना है यार, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट, कहीं ट्रैवलिंग का हो गया, कहीं वॉकिंग में जा रहे हो, बस 5 से 7 मिनट निकाल के वो रिविजन ऑडियो सुन लेना। और अगर मान लो आपने एक बार खुद से रिवाइज कर लिया, तो एक बार खुद से रिवाइज हो गया, एक बार आपने रिवीजन ऑडियो सुन लिया, और अगले दिन आप क्लास में आओगे तो क्लास में मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा दूंगा शुरू करने के पहले, और एक बार जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपका फुल फ्लेजेड रिवीजन करवा दूंगा। और उसके बाद जब आप फुल फ्लेजेड रिवीजन करने के बाद एक बार सेल्फ रिवीजन करोगे टेस्ट लिखने के लिए, तो भैया 5 रिवीजन जब क्लास के साथ हो जाएगी ना, तो क्या फिर गिनती लगा रहे हो कि क्लास करने के बाद 1 रिवीजन लगता है, 2 रिवीजन लगता है, अरे 5 तो तुम क्लास के साथ कर लोगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ओनली एफर्ट यू विल हैव टू डू इज मेक 1 प्रॉमिस कि मैं आज जो पढ़ाऊ वो देखे बगैर मैं अगली क्लास नहीं शुरू करूंगा। सर ये जो मैंने आपको क्वालिटी अभी बताई है ना, दैट इज वॉट आई कॉल द रैंकर्स वे। अगर मेरे को जब रैंक आई थी तो मैं अपने आपको 100 बार पूछता था कि तेरे को कैसे आए भाई, व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट, देन आई रियलाइज देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स दैट आई एम डूइंग डिफरेंट, वेरी स्मॉल थिंग्स, जैसे कि क्लास में स्क्रिबल करना। क्लास में अगर 200 बच्चे होते थे, शायद ऐसे 5 बच्चे होते होंगे जो सर का बोला हुआ बिना सर के कहने कहे लिख रहे, कि सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे ताकि उनको नींद ना आए। दूसरी चीज सर, एक तो स्क्रिबल हो गया, दूसरा मेरी एक हैबिट थी कि आज का पढ़ा हुआ अगर मैं कल की क्लास में जा रहा हूं तो आज का रिवाइज करके जाऊंगा। रिवाइज करने से 2 चीज होती है सर, एक तो सब्जेक्ट में होल्ड आता है, दूसरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। कल को जब क्लास में जाऊंगा सर रिवाइज करवाएंगे, वो पिछले सेक्शन से याद करवाएंगे, तो मेरे को लगेगा यस मेरे को याद आ रहा है, तो उससे मेरा सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट बिल्ड होगा। सर इंटरेस्ट बनाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी राजा, ठीक है। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अब मैंने शुभम सर की क्लास ले ली है तो अब तो लॉ में लॉटरी नहीं, भैया लॉ में शुभम सर लॉटरी करवा देंगे अगर तुम मेरे साथ साथ चलोगे तो, अगर तुम मेरे साथ साथ चलोगे तो मैं करवा दूंगा, लेकिन तुमको मेरे साथ साथ चलना होगा। तो दोस्तों ये होगा आपका रिविजन का पैटर्न, और इस तरीके से आपने क्या करना होगा, मेरे साथ रिवाइज करना होगा ताकि आपको सारी चीजें जो है वो याद हो जाए। अब सर आते हैं उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस पे। राइटिंग प्रैक्टिस में आपके मैं आपसे मैं 2-3 दिन बाद डिस्कस करूंगा जब अपन क्वेश्चन बैंक वगैरह की बात करें। अभी शुरू के 2 क्लासेस के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीजें अभी शुरू के 2 क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा सर यही चीजें हमारी क्लास में चलते रहेगी। आपको कुल मिला के मैं अगर बताऊं तो आपको 2 नोट्स खरीदने हैं, एक नोट्स आपके स्क्रिबल के रहेंगे, उनको करीबन 200 पेज तक का अच्छा सा क्लासमेट का नोट्स खरीद लेना, और एक आपको क्वेश्चन बैंक के लिए नोट्स खरीदना है 100 पेज का। ये 100 पेज का क्वेश्चन बैंक का एक नोट खरीद लेना, दोनों कोशिश करना क्लासमेट के प्यारे से सुंदर से खरीद लो, ताकि आपको लिखने में भी फील आए और आपको हैंडराइटिंग भी अच्छी बनाने का मन करे, ठीक है सर। यहां तक क्लियर है, कोई सवाल, एनी क्वेश्चंस, आर यू विथ मी, हो गया यहां पे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या, फटाफट बता दो। शिवम, किसी ने पूछा अमेंडमेंट का क्या सीन है सर, देखो बेटा अमेंडमेंट का क्या सीन, अमेंडमेंट्स देखो
कंपनीज एक्ट में अगर मैं बात करूं, अदर लॉ में तो बिल्कुल भी अमेंडमेंट नहीं होता, ये मान के चलो तुम, कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो अमेंडमेंट आते हैं उसमें कई बार। सर अमेंडमेंट में अगर आपको कंपनी, आपको मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अमेंडमेंट आर प्रोबेबली 1% ऑफ द टोटल सिलेबस, 1% ऑफ द टोटल सिलेबस। सर अमेंडमेंट जो भी आया वो कैसे पता चलेगा? अगर मैं बात करूं मई की तो मई की जो आरटीपी डालेंगे उसमें पता चल जाएगा, और मैं बात करूं नवंबर की तो नवंबर का जो आरटीपी डालेंगे उसमें पता चल जाएगा। जब आपकी आरटीपीज आएंगे ना तो आपके आरटीपी में जो भी चीजें हैं उसका वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पे डालूंगा हर अटेम्प्ट के लिए। तो आप इस बैच लेने के बाद चाहे कोई भी अटेम्प्ट लिख लो दुनिया का, आपको बस उस अटेम्प्ट का आरटीपी देखना है और उस अटेम्प्ट के आरटीपी से आपका काम हो जाएगा। और आरटीपी कितना लंबा होगा सर? सर आरटीपी कैन बी एज स्मॉल एज 15 मिनट्स। इस बार का आरटीपी 15 से 20 मिनट का था। आरटीपी कैन बी एज बिग एज 2 आवर्स, लेकिन इससे ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं होता है, 2 घंटे से ज्यादा का आरटीपी नहीं होता है। और ये 15 मिनट भी अमेंडमेंट के नहीं थे भैया, ये तो उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस का था, अमेंडमेंट सारे कवर्ड है। तो ये बैच आज तक के सारे अमेंडमेंट लेकर के चलेगा, पर आपको आरटीपी का वीडियो बस आएगा यूट्यूब पे, बस उतना देख लोगे तो आपका अमेंडमेंट कवर हो जाएगा, उसके अलावा आपको कोई भी जरूरत किसी भी चीज की नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। एक मिनट रुक जाना, जस्ट अ मिनट। मैं आपको मेरी बुक्स दिखा रहा हूं, एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखिए सर, सर ये आपके अल्टीमेट सॉल्यूशन की बुक है। आपके पास जब बुक्स आने वाली है, कुछ लोगों के पास आनी शुरू हो गई, कुछ लोगों के पास रस्ते में पहुंच रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन मेन्यू ऑर्डर, एंड आप तक पहुंच जाएगा, डोंट वरी। दोस्तों आपके पास जो बुक आई है उसका नाम है दी अल्टीमेट सॉल्यूशन, दी अल्टीमेट सॉल्यूशन बुक का नाम है। आपकी जो दी अल्टीमेट सॉल्यूशन बुक है उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये बुक जो है ये प्रॉपरली एकदम डिजाइंड है, तो इसका इंडेक्स देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी बुक जो है ये 200 पेज में खत्म हो जाती है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यही आपका बेयर एक्ट है, यही आपका आईसीआई मॉड्यूल है, और यही आपका समरी नोट्स है। ये बात की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं आज ऑफिशियली कि यही 200 पेज में आपका बेराट भी आ जाता है, इसी 200 पेज में आपके आईसीआई का मॉड्यूल भी आ जाता है और समरी नोट्स भी आ जाता है। सर आप पूछेंगे ये कैसे, ये तो बकवास हो गई, इतना थोड़ी हो सकता है, ये तो आप ज्यादा बोल गए। थोड़ा समय दो, दो चैप्टर खत्म होने दो, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है? तो ये मेरा क्लेम है, पर बाद में तुमको दो चैप्टर खुद से समझ आ जाएगा कि भैया ये बुक में कितनी ताकत है। दोस्तों क्योंकि इस बुक के जो हर एक छोटी छोटी सेक्शंस है ना, वो मैंने हर एक शब्द को पढ़ पढ़ के खुद से टाइप कर समझ करके पहले लिखा अपने नोट्स में, और लिखने के बाद खुद ही उसको टाइप किया। तो जब तुम इतनी मेहनत करते हो ना तो चीजें कंसाइज हो ही जाती है, और आपका सिर्फ आपका सर कलर्ड आएगी क्या या ब्लैक एंड व्हाइट? देखो भैया बुक जो है एकदम पूरी प्यारी कलर्ड बुक आने वाली है आपको, और इस बार जो आपको वर्जन आपके हाथ में आने वाला है उसमें किस सारी चीजें तो कर रखी है। तो ये बुक्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन है, तो ये पूरा बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, लेकिन इसमें कीवर्ड्स जो है वो रेड में हाईलाइटेड है, और कीवर्ड्स रेड में वो हाईलाइटेड है जो आपको एग्जाम में अंडरलाइन करके आना है। और जब आप क्लास में स्क्रिबल करोगे ना तो आप देखोगे ये कीवर्ड्स भी आपके नोट्स में बहुत अच्छे से आ जाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि पूरा गेम भैया कीवर्ड्स का है। और कीवर्ड्स जो है इसमें हाईलाइटेड है और हाईलाइट होके अलग से दिखते हैं। जब पढ़ने जाओगे ना तो आपको समझ कीवर्ड्स भी पढ़ोगे ना तो आपका पूरा पूरा डेफिनेशन पूरा प्रोविजन जो है वो कवर होता जाएगा, ठीक है? तो ये पूरा कलर नोट्स होने वाला है, और कलर नोट्स तो ठीक है भैया, इसके साथ इस बार मैंने एक नई चीज करी है। आपके हाथ में जो बुक आएगी उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना एक छोटा सा सिंबल बना होगा, यहाँ पे एक छोटा सा लोगो टाइप का डिजाइन टाइप का बना होगा जिसके अंदर एक नंबर होगा, लिखन दे भाई। हाँ, इस यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल बना होगा क्वेश्चन मार्क का, और उसके अंदर एक नंबर लिखा होगा। दोस्तों ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, इस बार मैंने ये किया कि हर प्रोविजन के बाजू में उसके क्वेश्चन बैंक के नंबर से लिंक कर दिया। तो इससे फायदा क्या होगा पता है? जब आप मान लो सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ रहे हो और उसके बाजू में आपको अगर 3 क्वेश्चन दिखे तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप क्वेश्चन बैंक करो या ना करो, आप सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते वही वक्त ही बहुत सतर्क सावधान हो जाओगे, यू विल बी वेरी एक्टिव। व्हाई?
बिकॉज नाउ यू नो दैट अरे दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 3 टाइम्स, सो यू विल नॉट बी लॉस्ट कि यार छोड़ना हवे हवे में पढ़ लेता हूँ, नहीं तुम उसको बैठ के शांति से पढ़ोगे। और इसमें बहुत जान गई है भाई, 350 क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन को एक एक कॉन्सेप्ट के बाजू में जाके मैप करना कि इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, देख इसको एग्जाम में पूछा है, तो इसमें मेहनत तो बहुत गई, कम से कम 3 दिन की पूरी मेहनत लगी है जिसमें एक एक क्वेश्चन को मैप किए, पर हो गया, इट इज वर्थ इट। नाउ यू विल लव दैट पार्ट ऑफ द बुक वेर इन इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू रेफर कि भैया क्वेश्चन बैंक का कौन सा क्वेश्चन रेफर करना है और कौन सा क्वेश्चन रेलिवेंट है। ठीक है, अब ये सर आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का समरी नोट जिसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और उसके बाद आ जाता है राजा हमारा क्वेश्चन बैंक। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक, तो इस क्वेश्चन बैंक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आईसीआई के सारे पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी सब कवर होते हैं, और साथ में आप जो क्वेश्चन बैंक ले रखे हो ना, इस क्वेश्चन बैंक में एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आंसर्स है ना वो बिल्कुल भी मेरे नहीं है, पूरा का पूरा आंसर का अप्रोच आईसीआई का है, जैसा आईसीआई ने लिखा वैसा ही मैंने लाया, उसको अमेंड किया, उसको थोड़ा क्लीनअप किया, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया, जैसे रिलेवेंट प्रोविजन का हेडिंग आईसीआई नहीं डालता वो मैंने डाला, कंक्लूजन का हेडिंग नहीं डालता वो मैंने डाला, कीवर्ड्स ने मैंने अंडरलाइन किया आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन में, और इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए ऐसा बना दिया जो आपको एग्जाम में छाप के आना है। अगर आप ये सेम छाप करके आ जाओगे तो आपको 4 में से 4 मिलेंगे, और लैंग्वेज पूरा का पूरा मैंने किसका रिटेन कर रखा है, आईसीआई का, यानी कि बेर एक्ट का लैंग्वेज। तो अगर आपको कहीं पे भी लगे कि जैसे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन सब्सिडरी कंपनी पे है, सब्सिडरी कंपनी पे है, और आप अगर मेरे समरी नोट्स में जाके देखोगे तो सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन, एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दैट इज हाउ वी विल इंश्योर दैट योर आंसर्स आर एट पार विद आईसीआई स्टैंडर्ड। क्योंकि भैया सुनो, आईसीआई की बुक से दूर जाके कोई फायदा ही नहीं होने वाला, क्योंकि जब पता है किसी बुक से क्वेश्चन पेपर बनने वाला है तो उसी बुक से आप पढ़ोगे ना राजा, किसी और बुक से क्यों पढ़ोगे, आप उसी बुक से पढ़ोगे ना, एंड हेंस दीज आर द 2 books दैट यू विल बी गेटिंग, एंड यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस बुक, यू हैव टू मेक एब्सोल्यूट बेस्ट आउट ऑफ दिस बुक। आपको इस बुक से बहुत, इस बुक को अपना बनाना पड़ेगा, इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, और इसके बाद मैं आपको कंफर्ट देता हूं कि 200 पेज में आपके लॉ खत्म हो जाएगा, 300 पेज 350 क्वेश्चन में आपका पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा, और उसके ऊपर एक भी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी लिमिटेड विद इन दिस, आपका 100 मार्क्स भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ 116 मार्क्स जो आएंगे ना वो इसी 2 किताब के अंदर के आएंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा, और अगर इसके बाहर जाता है इंस्टीट्यूट तो समझ लेना दुनिया में हर बुक के बाहर चला जाएगा, जो सीए इंटर लॉ की जो हर बुक है उसके बाहर चला जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है सर, आप सारे क्वेश्चन करवाओगे किरण, वाई नॉट, नहीं ऐसा थोड़ी, आपने बोला सर 160 घंटे आप 200 घंटे ले लो पर सारे क्वेश्चन करवा दो, तो वाई नॉट किरण, हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें ना, आपने वो अक्षय कुमार का वो सीन देखा है, 1 तेरा 1 मेरा 2 तेरा 2 मेरा 3 तेरा 3 मेरा, तो भैया ये स्कीम होने वाला है, आप किसमें किसको ज्यादा मिलने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा, पर आगे बढ़ने के पहले मैं अभी किरण के बात पे एक बॉटम लाइन बता दूं राजा, मैं तो मेहनत करूंगा, लेकिन आप अगर मेहनत करे बिना मुझसे सिर्फ स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट करोगे, देन रेगुलर बैच इज फॉर यू, एग्जाम ओरिएंटेड बैच इज नॉट फॉर यू। ठीक है, बट अगर आप बोल रहे हो सर समय नहीं है, मेरे को बताओ समय नहीं है सर, हमको कम घंटे में करा के तो सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये मैच्योरिटी अपने को रखनी पड़ी। अगर हम इंटर के अभी देखो भैया, फाउंडेशन जो था ना वो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, यूं समझ लो, फाउंडेशन में कोई वो नहीं होता, रॉकेट साइंस नहीं होता है, फाउंडेशन एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, तुम एक प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हो जिसमें एक बेसिक चीज आ जाती है कॉमन सेंस, अगर कॉमन सेंस, विच बाय द वे इज नॉट सो कॉमन दीज डेज, अगर कॉमन सेंस की प्रॉब्लम आएगी तो आपको इंटर में बहुत डिफिकल्टी जाएगी। प्रैक्टिकली एक चीज सोचो किरण, सारे क्वेश्चंस में करवा के 90 घंटे में क्लास कैसे खत्म करूंगा, 90 या 100 जो भी घंटे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सर आप वो सारे क्वेश्चंस करा दो जो कैटेगरी ए है, हम वो बी और सी जो है घर में संभाल लेंगे। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकली मेच्योरिटी रखनी पड़ेगी, और ये आपका बॉटम लाइन इतनी तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आपको सारे क्वेश्चन चाहिए फिर आपने रेगुलर बैच करना चाहिए, पर मैं टू द बेस्ट ऑफ माय एफर्ट तुमको ये दिख जाएगा कि अगर हो सकते हैं सारे क्वेश्चन तो मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, भले रिपीटेड क्वेश्चन ना करवाओ पर फ्रेश क्वेश्चन जितने भी है, चाहे ए कैटेगरी बी कैटेगरी, मैं सारे करवाने की कोशिश जरूर करूंगा, बट सब्जेक्ट टू आर टाइम लिमिट्स। ठीक है, आक्षी वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलो गाइस, ऑलराइट, दैट्स इट, आई थिंक इतनी ही बातें थी हमारी बेसिक्स में। सर हम थोड़ा सा लॉ के सिलेबस में घुसे, क्या हम लॉ के सिलेबस में घुसे, चलिए जी सर प्लीज अपने लॉ के सिलेबस को डिफाइन कीजिए, अगर नोट्स में हेडिंग डालो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। अगर मैं आपसे पूछू ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ को राजा 2 पार्ट में डिवाइड करना है, आप बता सकते हो कौन से 2 पार्ट में डिवाइड होगा,
अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉर्पोरेट और अदर लॉ को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप बता सकते हो कौन से दो पार्ट में डिवाइड होगा? एक होगा कॉर्पोरेट लॉ, एक है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा है अदर लॉ। एक है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा है अदर लॉ। सर कॉर्पोरेट लॉ की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट लॉ में पहले के जमाने में सिर्फ एक ही एक्ट आता था, कंपनीज एक्ट। पर अब कॉर्पोरेट लॉ में दो एक्ट आने लग गए। एक तो आया है आपका कंपनीज एक्ट और दूसरा कोई मेरे को बता सकता है कौन सा एक एक्ट इन्होंने ऐड किया है? क्या आप मेरे को बता सकते हो कौन सा एक्ट इन्होंने ऐड किया है? सर इन्होंने एक्ट आपके LLP एक्ट को ऐड किया है, जो आपके पहले फाउंडेशन में हुआ करता था। अब इन्होंने इसको इंप्रूव करके कहां पे डाल दिया, इसको फाइनल इंटर लेवल पे डाल दिया, तो ये आपका LLP एक्ट हो गया। तो दोस्तों उसके बाद बात करें अगर अदर लॉ की, अदर लॉ में क्या क्या आते हैं? दोस्तों अदर लॉ में सबसे पहले अदर लॉ में आता है आपका जनरल क्लॉज एक्ट। सर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपका जनरल क्लॉज एक्ट है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बताता हूं आपको कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनना। हुआ क्या था, एक बार हुआ ये था कि आप एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ लिमिटेड में एक डायरेक्टर था, मेल डायरेक्टर था। उसने क्या किया, फ्रॉड, सॉरी एक फीमेल डायरेक्टर थी, उसने करा फ्रॉड। फीमेल डायरेक्टर ने फ्रॉड किया कंपनी के साथ, और फ्रॉड करने के बाद आगे जाके कोर्ट में आगे जाकर के उसको पकड़ा गया। कोर्ट में उसकी बात लेके रखी गई कि ये तो मैडम है, ये फ्रॉड कर रहे और ये फ्रॉड के लिए पनिशेबल होने चाहिए। कोर्ट ने देखा कि हाँ भैया आप मैडम ने तो फ्रॉड किया है, और उन्होंने सजा सुना दी कि आपको जेल होगी 3 साल की और आप पे फाइन लगेगा 2 लाख रुपए का। पर उन्होंने बोला, वो जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया तो वो मैडम हंसने लगी, हाँ 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 हाँ, लड़कों जैसे हंसती थी वो, ठीक है, तो वो हंसने लग गई। अब वो जब हंस रही है तो कोर्ट ने पूछा क्या हुआ, तो मैडम बोलती है तुम मेरे को सजा सुना ही नहीं सकते। क्यों? बोले ढंग से तुम फाइन पढ़ो। फाइन जब तुमने सेक्शन पढ़ा, फ्रॉड का सेक्शन है 447, तुमने जब फ्रॉड का सेक्शन पढ़ा तो उसमें लिखा था इफ एनी पर्सन हैज अंडरटेकन फ्रॉड ही शैल बी लायबल फॉर जेल ऑफ अप टू दिस मेनी इयर्स एंड फाइन ऑफ दिस मेनी इयर्स। ही शैल बी लायबल, ही लिखा था। उसने बोला ही, मैं तो शी है। उसने बोला मैं तो शी है, तुम मेरे पे लायबिलिटी लगा ही नहीं सकते, क्योंकि लॉ में क्लियरली लिखा है कि ही शैल बी लायबल, और लॉ को आप जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ते हो, लॉ में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। तो ही लिखा है मतलब सिर्फ लड़के लायबल होंगे, लड़की लायबल नहीं होगी। तो तब जाके इनको समझ आया, ओ भगवान, ये लोग तो इस तरह का इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। तो इसलिए इन्होंने एक जनरल क्लॉज एक्ट बनाया था, जनरल क्लॉजेस, जहां पे इन्होंने बोला सुनो भाई, कहीं हम गलती से ही बोल रहे हैं ना, तो ही इंक्लूड्स शी। जब हम मेल बोल रहे हैं ना, तो मेल इंक्लूड्स फीमेल इन जनरल। जब हम कोई सिंगुलर चीज बोल रहे हैं ना, तो सिंगुलर मींस प्लूरल ऑल्सो। अगर हमने लिखा डायरेक्टर शैल बी लायबल, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्टर लायबल होगा, इसका मतलब मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं तो वो भी लायबल हो सकते हैं। ये समझाने के लिए इनको एक अलग से एक्ट बनाना पड़ा सर, जिसका नाम है जनरल क्लॉज एक्ट। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर अदर लॉ का। उसके बाद दोस्तों जनरल क्लॉज एक्ट के बाद एक और चैप्टर आता है आपका, बहुत प्यारा चैप्टर, जो इन्होंने फाइनल से लेके आए और इन्होंने डाला फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक सेकेंड, देखो यार मैंने वीडियो पॉज किया है, ऑनलाइन और यूट्यूब में दिख रहे। आनंद गुप्ता जैसे बच्चे जिन्होंने पूछा सर जनरल क्लॉज एक्ट में कितना टाइम लगेगा, भाई देख मैं बनावटी इंसान नहीं हूं, पर मैं बताऊं ना, ये सब मेरे पे छोड़ दे, तू पढ़ने पर ध्यान दे यार, तू अपना काम करना। जो चीज मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया राजा, उसमें आप पूछ रहे हो सर कितना, क्या 6-7 घंटा लगेगा, क्या प्लानिंग कर लिया तुमने? प्लीज यार मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैट में ना मेरे से बातें करो, फालतू के सवाल ना पूछो, ठीक है? ये मेरे को फर्स्ट डे बताना जरूरी होता है। क्या होता है, 2 दिन में प्रिटेंड कर सकता हूं, अरे आई एम वेरी नाइस, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, और फिर जैसे ही डेमो खत्म हुआ मैं बन गया अपने रूप में, तुम बोलोगे सर आप तो ऐसे नहीं थे। भाई मैं ऐसा हूं, रेलेवेंट बातें करो, हम रुक रुक के बात करेंगे। आनंद गुप्ता ऐसी बातें करोगे तो मैं आपका नाम देख के इग्नोर करने लग जाऊंगा आपके मैसेजेस। फिर आप ये नहीं बोल सकते सर हमने तो फीस दी है। फीस देने के बाद मैंने क्या बोला, कॉमन सेंस और रेलेवेंट बातें, ठीक है? क्योंकि समय की कटौती है, और समय की अगर बर्बादी होगी आपके द्वारा तो मैं आपको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है आनंद गुप्ता? आई होप माई ये पॉइंट मेरा क्लियर है, उम्मीद है, क्योंकि इससे मेरी क्लास की डेकोरम बनेगी राजा। आज मैं इग्नोर कर दूंगा ना तो ऐसी फालतू चीजें, फिर सर फेमा कितना घंटा लगेगा, फिर तुम बोलोगे सर एक शेड्यूल दे दो ना, वो सब मेरा काम, तुमको देखना है। ये देखो, तुम ये देखो, तुम्हारे ड्राइव में ना एक लिंक बनी हुई है, तुम्हारे पास एक लिंक आई होगी, ये खुलेगा तो मैं दिखाऊंगा तुमको।
कैसे समय बर्बाद हो रहे हैं। देखो आनंद गुप्ता के मैसेज से कैसे समय बर्बाद होता है। चले दो, अब मेरी बात सुनो, वापस आ जाओ आनंद प्लीज, और बाकी बच्चे रिलेवेंट सवाल मेरे से चैट करो, ठीक है, मेरे से चैट करो, ठीक है। चलो अब सर मैंने क्या कहा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बहुत ही प्यारा चैप्टर है सर, पर आप सोचो सीए फाइनल का एक टॉपिक, सर एक टॉपिक जो 15 साल से 20 साल से सीए फाइनल में था, इनको अचानक से लगा कि अब हम इसको सीए इंटर में ला सकते हैं। मतलब अब हमारे बच्चे इतने मेच्योर हो गए हैं कि हम एक फाइनल लेवल का कॉन्सेप्ट इनको इंटर में हल्का फुल्का पढ़ाना चाहते हैं तो हम पढ़ाएंगे। तो सर इन्होंने सीए फाइनल में जितना फेमा था ना उसका 20% कहूंगा मैं वो इन्होंने इंटर में लिया है। और सर बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही मजा आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। पर दोस्तों इसके लिए ना थोड़ा सा अपने को मैच्योरिटी लाना पड़ेगा, क्योंकि फेमा है दोस्त, फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। ये फेमा ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सर ये शादी का लड्डू बराबर है, ये वो शादी का लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, ठीक है। तो हमको खाना तो है लड्डू फेमा का, और उसको पढ़ेंगे भी, और आपको मजा भी बहुत आएगा। सर ये क्या हो गया, आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, पहला हो गया आपका जनरल क्लॉज एक्ट, दूसरा हो गया आपका फेमा, और तीसरा कोई मेरे को बता सकता है, तीसरा कोई मेरे को बता सकता है, तीसरा है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में क्या आता है, सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आता है आईओएस। मतलब क्या सर, पहले तुमको इन्होंने फाउंडेशन में लॉ पढ़ाया, फिर इन्होंने तुमको इंटर में कंपनीज एक्ट पढ़ाया, एलएलपी एक्ट पढ़ाया, जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ाया, फेमा पढ़ाया, और अब लास्ट में कहते पढ़ लिया इतना सब पढ़ लिया, अच्छा आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं लॉ कैसे पढ़ते। अब ये बताएंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में कि लॉ कैसे पढ़ते, अरे सो रहा था क्या, ये तो तुमको सबसे पहले पढ़ना चाहिए ना। सर सबसे पहले नहीं पढ़ते, इसको आखिरी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद लॉ पढ़ने में दर्द हो जाता है कि भैया इतना सारा इंटरप्रिटेशन, नहीं भैया हम सिंपल रखेंगे, पहले लॉ पढ़ेंगे और लास्ट में एक चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है। इंटरप्रिटेशन मतलब कैसे समझते हैं, और स्टैट्यूट्स मतलब होता है लॉ, तो लॉ को कैसे समझते हैं इसके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अब सर इस तरीके से आपका जो लॉ का सिलेबस है वो स्प्लिट होता है, और लॉ का सिलेबस में मैं आपको एक अंदाजा बता दूं तो आपका जो जनरल क्लॉज एक्ट है ना वो आने वाला है 8 से 10 मार्क्स का, आपका जो फेमा है वो आने वाला है 12 से 14 मार्क्स का, और आपका जो आईओएस है वो आने वाला है 10 से 12 मार्क्स का। ये रेंज होने वाला है, इस रेंज पे आपके ये टॉपिक्स। सर ये क्या मैं बता रहा हूं, नहीं भैया मैं वही बोलता हूं जो आईसीए बोलता है, ये कहीं ना कहीं आईसीआई ने कहा है, ठीक है। तो आईसीआई ने कहा है और आईसीआई ने जो कहा है वही मैंने आपको बता दिया। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एलएलपी एक्ट आप मान के चलो 6 मार्क्स तक का आएगा, और बाकी जितनी भी ताकत है वो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट लेके जाएगा। मतलब आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कंपनीज एक्ट पे। पर सर एक बात बताऊं कि छोटा सा, कंपनीज एक्ट पे तो पूरी दुनिया फोकस कर रही है, उतनी ज्यादा प्यार और शिद्दत से ना ये तीनों लॉ को भी पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप तीनों मिला करके देखोगे, अगर आप तीनों लॉ मिला करके देखोगे तो जनरल क्लॉज एक्ट और ये तीनों मिला करके कम से कम 35 मार्क्स की आपको पावर दे रहे हैं, और ये 35 मार्क्स आधी दुनिया आधे बच्चे जो लॉ लिखने जा रहे हैं ना ये 35 मार्क्स पे कंफर्ट लेके नहीं जाते। तो मैं आपके लिए अदर लॉ भी इतना ही प्यार से पढ़ाऊंगा जितना कंपनीज एक्ट प्यार से पढ़ाऊं, क्योंकि भैया अदर लॉ को तुमने अपनी ताकत बना ली ना तो भैया आपको 70 मार्क्स लॉ में कहीं नहीं जाते। जी हाँ सही सुना आपने, 70 मार्क्स नहीं सर, थियरी है, हमको तो डिनोमिनेटर में नहीं देते, आप तो आने की बात कर रहे हो, हमको तो कभी कभी एग्जामिनर डिनोमिनेटर में नहीं देता 70 मार्क। अरे देगा सर, आज के टाइम पे 70 मार्क लाना इजी है, क्यों पता है आपको, क्योंकि 30 मार्क का तो राजा एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू 30 मार्क के हो गए, जब एमसीक्यू 30 मार्क के हो गए उसके बाद बचता है 70 मार्क्स का पेपर जिसमें से आपको सिर्फ 40 लाने हैं 70 लाने के लिए, ये तो 55% एफिशिएंसी है, इतना तो कर ही लोगे यार, 55-60% लाना है तब जाके आपके 70 मार्क्स आ जाते हैं। तो भैया आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनानी है एमसीक्यू को, और एमसीक्यू को स्ट्रेंथ बनाने के साथ साथ आपको 70 में से 40 का टारगेट करना है। और ये अदर लॉस से मैं आपको बता रहा हूं पेपर में क्वेश्चन उठ के आते हैं, अदर लॉ से क्वेश्चन जो है वो उठ के आते हैं, तो आपको किसी भी बात का टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सर, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर। तो हम आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं, ये तो आपको मैंने ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया, थोड़ा सा जूम इन करते हैं सर, हम सबसे पहले हाथ कहां लगाएंगे, हम सबसे पहले हाथ लगाएंगे अपने कंपनीज एक्ट में। तो थोड़ा सा और जूम इन करा, थोड़ा सा और जूम इन करा, और ये आ गया आपका कंपनीज एक्ट। सर कंपनीज एक्ट क्या है और कितने चैप्टर्स हैं हमारे कंपनीज एक्ट में, और अब हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं अपने इंटर लॉ का सिलेबस। मैंने आपको बोला था शुरू के 40 से 45 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद मैं आ जाऊंगा हमारे सिलेबस में, तो मेरी बात धीरे से सुनते जाना, ठीक है। कंपनीज एक्ट सर, सर 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 सर
आनंद कुमार मंडल कह रहे, जाने दो, जो कह रहे वो कहने, वो कहने उसके लायक भी नहीं है। चलो सुनो आनंद, अब मेरी बात सुनो सर, कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे, मेरे को क्या कोई ये बता सकता है कि कंपनीज एक्ट में सबसे पहले सर, कंपनीज एक्ट शुरू करने के भी पहले मेरे को ये बताओ, आपने सर पहले बोला कि हम कॉरपोरेट लॉ पढ़ेंगे, फिर आपने बोला कॉरपोरेट लॉ में एक एक्ट आता है कंपनीज एक्ट, हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, तो सर मेरे को ये बताओ ये जो एक्ट वर्ड बोला आपने और ये जो लॉ वर्ड बोला, ये दोनों में फर्क क्या है? कोई आप में से कोई मेरे को बता सकता है ये दोनों में फर्क क्या है? सर क्या जो आप क्लास में लिख रहे हो ये आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पर मैं चाहता हूं मैं जो लिख रहा हूं स्क्रीन पे आप वो मेरे साथ साथ भी लिखो, जैसे मैं स्क्रिबल कर रहा हूं आप सुन सुन के आप लिखो, जरूरी नहीं है कि मैंने नीचे नीचे लिखा तो आप नीचे नीचे लिखोगे, आप बाजू बाजू में भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। दोस्तों मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट लॉ एंड कंपनीज एक्ट, मतलब एक्ट और लॉ में फर्क क्या होता है? सुनना मेरी बात दोस्तों, अगर मैंने अब आपको मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि इंडिया में ना क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, इंडिया में क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, देखो ना क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, क्राइम को कंटेन करने के लिए कुछ प्रोविजन बनाने, कुछ नियम बनाने, कुछ कानून बनाने हैं, तो मैं बनाऊंगा क्राइम से रिलेटेड लॉस। लेकिन सर अब मैंने देखा क्राइम में ना बहुत सारे क्राइम्स हैं, ऐसा नहीं कि इकलौता क्राइम है, मैंने देखा मर्डर एक क्राइम है, ठीक है, मैंने देखा रेप एक क्राइम है, मैंने देखा ड्रग्स ट्रैफिकिंग एक क्राइम है, मैंने देखा ऐसे बहुत अलग 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 तरह के क्या है क्राइम्स है, तो मैंने बोला हर क्राइम के लिए ना मैं एक लॉ नहीं बना सकता, तो मैंने क्या किया अलग अलग एक एक्ट बनाया, मैंने बोला मर्डर के लिए अलग एक्ट बनाते हैं, मैंने बोला रेप के लिए अलग एक्ट बनाते हैं, इसके अलग एक्ट बनाते हैं, और मैंने क्या किया इस तरीके से अलग अलग एक्ट बनाया। और जब एक्ट बनाया ना, एक्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया, एक्ट बनाने के बाद मैंने बोला कि भैया सुनो एक्ट कैसे बनता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, सिर्फ एक्ट बना के ना काम नहीं चलेगा, एक्ट के साथ मेरे को कुछ और रूल्स बनाने पड़ेंगे। सर एक्ट कौन बनाता है, रूल्स कौन बनाता है, ये सब मैं थोड़ी देर मैं बताऊंगा, पर मैं एक्ट बनाया उसके बाद मेरे को लगा एक्ट से सब काम नहीं चलेंगे, थोड़े और नियम बनाने पड़ेंगे, थोड़े और रूल्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद सर मैंने एक्ट और रूल्स बना दिया, फिर दो लोगों के बीच में ना उसको इंटरप्रिटेशन को लेकर लड़ाई होगी, कोई बोल रहे हैं हाँ भैया ये क्राइम है, कोई बोल रहा है नहीं भैया ये क्राइम नहीं है, तो जब इंटरप्रिटेशन को लेकर लड़ाई होती है तो आप कहां पे जाते हो, कोर्ट में, कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट क्या करता है डिसीजन सुनाता है, तो डिसीजन जो सुनाता है ना वो बन जाता है केस लॉज, केस लॉज मतलब जो केसेस को कोर्ट में डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में वो बन गए केस लॉज। उसके अलावा आपके अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं, उसके अलावा उसके अलग अलग सर्कुलर्स आते हैं, और ये सब मिला करके क्या बनता है पता है, ये सब मिला के लॉ बनता है। तो मैं अगर आपसे कहूं तो लॉ इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म विच हैज एक्ट इन इटसेल्फ, विच हैज रूल्स, विच हैज रेगुलेशंस, विच हैज नोटिफिकेशंस, विच हैज सर्कुलर्स एंड अ लॉट मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती है कहां पे, ये आपके लॉ और एक्ट के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो लॉ इज द बिगर पिक्चर एंड एक्ट इज द माइनर पिक्चर, समझ रहे हो क्या राजा, बोलो हां कि नहीं, पक्का 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 पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर, मेरी बात ध्यान से सुनना, सर आप ये समझ गए लॉ और एक्ट पर फर्क क्या होता है। अब मेरे को बताओ सर, आप हमको कंपनीज एक्ट बताने वाले हो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को उसके पहले एक चीज बताओ सर, ये कंपनीज एक्ट आया कहां से, मतलब कौन है वो इंसान जिसने एक दिन सोचा कि आज से हम सारे कंपनीज को रेगुलेट करेंगे और उसने कंपनीज एक्ट बना दिया, या फिर फॉर दैट मैटर आज को कंपनीज एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, ये सारे एक्ट जो है ये बनाता कौन है और इनको बनाने का पावर कौन दे रहा है? आज अगर मान लो मैं पूछूं कंपनीज एक्ट किसने बनाया, तो तुम बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसने बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि मोदी जी ने, सर मोदी जी ने, अभी क्या पता भाई ये क्लासेस तो अगले 6 महीने तक देखोगे, अभी पता नहीं मोदी जी रहेंगे तब सरकार बदल जाएगी, तुमको क्या लगता है बदलेगी नहीं बदलेगी, क्या फालतू पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हो सर, छोड़ो ना, जो रहेगा जो भी रहेगा, मान लो आज भी मोदी जी कल भी मोदी जी है तो मुमकिन है मान लो, ठीक है, और मोदी जी अगले 5 साल तक सरकार में आ गए ये मान लो, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब मोदी जी है, मोदी जी ने सोचा यार मेरे को ना सारे कंपनीज एक्ट पे क्या कर, सारे कंपनीज पे क्या करना है, एक प्रोविजन लगाना, एक एक्ट लगाना है। तो अभी जब मोदी जी ने ये सोचा तो क्या मोदी जी घर जाएंगे बोलेंगे लाइक पीस ऑफ पेन एंड पेपर, और उन्होंने बोला लिखा 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 लिखा, बोले ये ले एक्ट हो गया, एक्ट करो इसके हिसाब से, अब से इसके हिसाब से काम करो, ऐसा होने वाला है?
नहीं सर, एक्ट इस तरीके से नहीं बनता। अगर मोदी जी ने सोचा कि कंपनीज को गवर्न करने के लिए हमको एक एक्ट चाहिए, तो मोदी जी क्या करेंगे, एक्ट को बनवाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तुम मेरे को बताओ प्रोसेस क्या होगा। आप एक बात समझो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ना, वो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। क्या कहा मैंने, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो गया, और एक और मिनिस्ट्री आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब क्या, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और अफेयर्स मतलब अफेयर मतलब तो तुमको पता ही होगा। अरे तुमको अफेयर मतलब नहीं पता, कॉर्पोरेट अफेयर मतलब क्या, फिर मतलब कंपनी के काम, कॉर्पोरेट अफेयर जो होते हैं ना उसका भी एक मिनिस्ट्री होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना उनको क्या करना है, मोदी जी को एक कंपनीज एक्ट बनानी है। मेरे को बताओ कंपनीज एक्ट बनाने के लिए कौन सा मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कॉल करेंगे कि ओ भाई रेलवे का मिनिस्टर कंपनीज एक्ट बना, उसको कॉल करेंगे? नहीं सर, किसको कॉल करेंगे? चलो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दोनों में से बताओ किसको कॉल करेंगे? आप कॉल करोगे एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं। अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट बनाना है, अगर आपको जीएसटी एक्ट बनाना है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कॉल कर लो, क्योंकि वो पैसों की बात है। यहां पैसों की बात नहीं है, कंपनीज की बात है। तो हम कॉल करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। क्या आप मेरे को बता सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में मिनिस्टर कौन है? सर पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में मिनिस्टर हुआ करते थे अरुण जेटली जी, पर अरुण जेटली जी के डेथ होने के बाद, अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ होने के बाद, उनके जगह ले लिया है निर्मला सीतारमन जी ने। किसने ले लिया है? निर्मला सीतारमन जी ने। निर्मला सीतारमन जी जो है वो क्या है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, और वो पूरे मिनिस्ट्री को संभालते। अब नॉर्मल अपने मोदी जी जो है वो कॉल लगाएंगे निर्मला मैडम को और बोलेंगे मैडम सुनो ना। बोले क्या? बोले हमको ना एक कंपनीज एक्ट बना लेना चाहिए जिससे हम सारे कंपनीज को क्या कर सकेंगे, गवर्न। तो मैडम ने बोला बहुत अच्छा बना लो आप। तो मोदी जी ने बोला अरे हम नहीं, आप बनाओ, आपकी डिपार्टमेंट, आप अपने डिपार्टमेंट से बनवाओ और आप क्या करो एक एक्ट बना के पिक्चर में लाओ जिससे हम सारे कंपनीज को कंट्रोल करेंगे। अब सर मेरे को एक बात बताओ, जब मोदी जी का कॉल आया तो क्या निर्मला मैडम खुद बैठ जाएंगे? नहीं सर, निर्मला मैडम अब खुद नहीं बैठेंगे। अब निर्मला मैडम ने डिसाइड कर लिया कि हमको कंपनीज एक्ट बनाना है, तो वो जा करके एक कमिटी बैठाएंगे जिसमें वो सारे कंपनीज एक्ट के एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे। एक कमिटी बैठेगी जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे सर, जिनको कंपनी लॉ का भयंकर नॉलेज होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं मेरे को कभी बुलाया जाए, सुनो। तो उसमें क्या करेंगे, एक्सपर्ट को बिठाया जाएगा और वो एक्सपर्ट कर बैठ करके क्या करेगा, वो बैठ करके पूरा का पूरा कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजन होने चाहिए वो पूरा का पूरा प्रोविजन लिखेगा। पूरा का पूरा प्रोविजन जो है उसके हिसाब से जो सही है जो गलत है, जो पुराने एक्ट से उनको देख करके सारा का सारा प्रोविजन लिखेगा। तो सर ये जो प्रोविजन किसने लिखा, जो एक कमिटी ने लिखा, जो जिसको निर्मला मैडम ने बोला, क्या ये प्रोविजन एक्ट बन गया? सर क्या ये प्रोविजन एक्ट बन गया? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो ये बना है बिल, अभी तो ये बना है बिल। ये एक्ट का ड्राफ्ट वर्जन है और ड्राफ्ट वर्जन को हम क्या कहते हैं, बिल। ये बना है बिल और इस बिल को ना इसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। सर क्या शब्द बोला मैंने, बोलो मैंने क्या वर्ड बोला, बोलो डिड आई से, मैंने शब्द क्या बोले बताओ। मैंने बोला इस बिल की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, मतलब इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो ये बिल को ले जाके कोर्ट में पेश नहीं कर सकते कि देखो हमने तो कहा था। कहा कहा था भाई, ये तो वही बात हो गई कि आईसीआई ने नया सिलेबस लाया और नया सिलेबस में क्या क्या होगा, बिल लिख करके अपने ड्रॉर में रख लिया। अरे ड्रॉर में रखने से क्या होगा, पहले सिलेबस को अप्रूव करवाओ, अप्रूव करवाने के बाद उसको पब्लिश करो ताकि हमको पता चले सिलेबस एप्लीकेबल होगा। हमने बना लिया, ड्रॉ में रख लिया, अब तुम पढ़ लो। अरे ये बात थोड़ी, अब ये जो बना है ना ये ड्राफ्ट है, इसको हम कहते हैं बिल। अब इसको ना लीगल सैंक्टिटी देनी पड़ेगी, इसको ना लीगल रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। वो कैसे होगा सर, उसके लिए आपको इसको लेके जाना पड़ेगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वहां पे बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब विधानसभा और विधान परिषद, है कि नहीं, है कि नहीं, विधानसभा और विधान परिषद। हाँ सर, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। सर विधान परिषद और विधानसभा जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप इसको लोकसभा में लेके जाओगे और आप फिर इसको राज्यसभा में लेके जाओगे, और फिर जब इन्होंने अप्रूव कर दिया और जब इन्होंने भी अप्रूव कर दिया, जब दोनों हाउसेस ने अप्रूव कर दिया, आप इसके बाद इसको लेके जाओगे आपके प्रेसिडेंट के पास।
आप इसको लेके जाओगे द्रौपदी मुर्मू जी के पास और आप अपने प्रेसिडेंट को बोलोगे, प्रेसिडेंट प्लीज ये जो एक्ट है ना, ये जो बिल है ना, इसको दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, अब आप इसमें क्या कर दो, अब आप इसमें अपना असेंट दे दो, असेंट मतलब क्या, सिग्नेचर दे दो, अब आप इसमें क्या कर दो, आप अपना सिग्नेचर दे दो। और जब आप इसमें अपना असेंट दे दोगे ना, असेंट देने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक्ट। पहले ये बिल था, पहले ये ड्राफ्ट वर्जन था, इसको लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूव किया, प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया और उसके बाद ही वो एक्ट बना। सर एक बार जब लोकसभा और राज्यसभा अप्रूव कर दे और जब प्रेसिडेंट का साइन मिल जाए तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। मतलब अब आप समझ लो मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया, आपको पता है मिलीमीटर अब क्या बन गया, सेंटीमीटर बन गया, समझ रहे हो रेफरेंस, मिलीमीटर सेंटीमीटर बन गया है, थ्री इडियट्स, ठीक है। तो मिलीमीटर अब क्या बन गया, सेंटीमीटर बन गया, अब एक्ट बन गया, अब वो लीगल रिकॉग्निशन हो गया। पर दोस्तों एक बात बताओ भाई, एक्ट बन गया, वेरी गुड, वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, पर एक्ट बनने के बाद मेरे को कहां पता एक्ट कहां है, हाउ डू आई नो वेयर इज द एक्ट, एक्ट कहां पे है। मतलब मैं एक जनरल जनता है, मैं, मेरी एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, मेरे को क्या पता प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस में क्या साइन किया, मेरे को क्या पता उन्होंने क्या चीज अप्रूव करी है, मेरे को बताओ तो सही एक्ट में क्या है, एटलीस्ट मेरे को बताओ तो सही, टेल मी समथिंग, वेयर इज द एक्ट। तो इसीलिए ये एक्ट सिर्फ साइन करने से नहीं बनता है सर, आपको इस एक्ट को क्या करना पड़ेगा पता है, नाउ यू विल हैव टू पब्लिश दिस एक्ट, यू विल हैव टू पब्लिश दिस फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन, आपको पूरी जनता में बताने के लिए इस एक्ट को पब्लिश करना पड़ेगा। और इस तरह की चीजें कहां पब्लिश होती है सर, ये पब्लिश होती है एक जगह पे जिसका नाम है ऑफिशियल गैजेट, जिसका नाम है ऑफिशियल गैजेट, जिसको सर हम प्यार से बोलेंगे ओ जी, लो जी, सुनो जी, ओ जी मतलब सर ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में क्या करोगे, आप जाकर के उसको पब्लिश करोगे, और जिस दिन आप इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करोगे ना, उस दिन से समझ लेना कि ये एप्लीकेबल हो गया, आपका अब से एक्ट एप्लीकेबल हो गया है, क्योंकि अब ये जनता को बता दिया गया है, अब ये जनता को बता दिया गया है। तो ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन आपने पब्लिश किया, उस दिन से क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए पब्लिक हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई राजा, क्या मेरी बात सुन पा रहे हो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ हाँ या नहीं, यस और नो। हाँ जी ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका एक्ट, अब जो लॉ है, बिल जो है वो आपका एक्ट बन गया। अब दोस्तों ध्यान रखना एक बात, ये जो बिल होता है ना, ये बहुत ड्राफ्ट वर्जन होता है, और एक्ट जो होता है वो फाइनल वर्जन होता है, और ये तभी आता है जब वो पब्लिश हो जाए। मेरा एक सवाल, एक बात का जवाब दोगे, उसका शर्त लगा लो, गलत जवाब दोगे, लगा रहे हो शर्त, इतनी सी बात में जो इतनी बेसिक बात है उसमें मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, गलत जवाब दोगे, लगा रहे हो शर्त पक्का। सर एक बात बताओ, जो बिल बनता है वो लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में जाता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैंने एक बिल बनाया, पहले मैं राज्यसभा में लेके गया, फिर मैं लोकसभा में लेके गया, फिर मैं प्रेसिडेंट के पास लेके गया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं पहले राज्यसभा में अप्रूव करवाने के बाद फिर लोकसभा में ले जा सकता हूं, व्हाट इज योर थॉट, बताओ सर, क्या मैं पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में ले जा सकता हूं, या मैं मेरे को पहले लोकसभा में ही ले जाना पड़ेगा और फिर राज्यसभा में ले जाना पड़ेगा। The answer is absolutely yes. आप किसी बिल को ना पहले राज्यसभा में और लोकसभा में ले जा सकते हो, पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में ले जा सकते हो, आप उसको पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में ले जा सकते हो। सर आपको पता है, आपको पता है, आप जब इनकम टैक्स पढ़ते हो तो हर साल एक फाइनेंस बिल आता है, हर साल एक फाइनेंस बिल आता है, वो बिल भी चल के आगे एक्ट बनता है, वो बिल भी आगे चल के क्या बनता है, एक्ट बनता है। क्या मैं उस बिल को भी पहले राज्यसभा के पास ले जा सकता हूं और फिर लोकसभा के पास ले जा सकता हूं, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने पहले राज्यसभा के पास लेके गए और फिर लोकसभा के पास लेके गए, क्या फाइनेंस बिल को पहले राज्यसभा के पास और फिर लोकसभा के पास लेके जा सकते हो? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। सर एक सेकेंड, पहले आप क्लियर हो जाओ फिर हमको पढ़ाना, पहले आप क्लियर हो जाओ। आपने अभी अभी बोला कि एक बिल जो है वो पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में जा सकते हैं, फिर आपने बोला फाइनेंस बिल जो है वो पहले राज्यसभा में नहीं जा सकता, पहले उसको लोकसभा में ही ले जाना पड़ेगा, ये क्या बकवास है, ये क्या बात है। राजा मेरी बात सुनो, आप जब बिल की बात करते हो ना, ये आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, पर आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जब आप बिल की बात करते हो ना तो दो तरह का बिल होता है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। मनी बिल मतलब हर वो चीज जिसका पैसों से लेना देना है उसको हम कहते हैं मनी बिल, और ऑर्डिनरी बिल मतलब मनी बिल के अलावा जो भी बिल है वो ऑर्डिनरी बिल है। अब दोस्तों मेरी एक बात समझना, ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल लगता है,
पहले लोकसभा कर लो बाद में राज्यसभा कर लो, पहले राज्यसभा कर लो बाद में लोकसभा कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप मनी बिल की बात करो, जैसे कि आपका फाइनेंस बिल है, जो आपका फाइनेंस एक्ट आता है वो फाइनेंस बिल मनी बिल होता है। अगर मनी बिल की बात करो तो लॉ क्लियरली बोलता है इसमें सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल लगेगा, राज्यसभा का बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं होता है इसमें। राज्यसभा का अप्रूवल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी चल जाएगा, पर इसमें प्राइमरी अप्रूवल लोकसभा का रखता है। ऐसा नहीं कि आप पहले राज्यसभा के पास जा रहे हो फिर लोकसभा, ना बाबा ना, आपको लोकसभा के पास ही जाना पड़ेगा। तो सर दोनों में फर्क होता है। तो यू जनरली स्पीकिंग आप बिल को पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में अप्रूव करवा सकते हो, लेकिन अगर वो मनी बिल है ना तो मनी बिल को तो आपको लोकसभा में ही ले जाना पड़ेगा, आप राज्यसभा में सीधा नहीं ले जा सकते। और एक बार लोकसभा ने अप्रूव कर दिया तो राज्यसभा नहीं भी अप्रूव करेगा तो चल जाएगा, कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। सर ये बहुत बेसिक चीज है, ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको समझानी थी। तो आप ये बता सकते हो कि भैया लोकसभा राज्यसभा दोनों में से पहले कोई भी अप्रूव कर सकता है अगर ऑर्डिनरी बिल है तो। कोई मेरे को बता सकता है सर कंपनीज एक्ट जो हम पढ़ने वाले वो पहले मनी बिल रहा होगा कि ऑर्डिनरी बिल, बताओ। जो हम कंपनीज एक्ट पढ़ने वाले वो पहले ऑर्डिनरी बिल रहा होगा कि फाइनेंस बिल? हाँ जी ठीक है, वो अपन डायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं प्रियंका, लोकसभा मैंडेटरी क्यों होता है वो अपन डायरेक्ट टैक्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए हमारे लिए लॉ के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब मेरी बात सुनो सर, आपका कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज बिल जो है वो आपका ऑर्डिनरी बिल में आता है अनडाउटेडली। मनी बिल मतलब जिसका पैसों से कोई लेना देना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सर शुरू करने वाले हैं हम लोग अपना प्रॉपर कंपनीज एक्ट, और आगे की जो भी चीजें मैं बताऊंगा आपको वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% रेलेवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। मेरी बात सुनना दोस्तों, कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट जो है बटा हुआ है चैप्टर्स में, चैप्टर्स के अंदर आते हैं बहुत सारे सेक्शंस, और सेक्शंस के बाद, सेक्शंस खत्म होने के बाद आते हैं बहुत सारे शेड्यूल्स, सेक्शंस खत्म होने के बाद आते हैं बहुत सारे शेड्यूल्स। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपनीज एक्ट कितने चैप्टर्स में बटा हुआ है। जैसे आप कोई भी बुक खरीदते हो तो बुक को चैप्टर में डिवाइड करना होता है, तो वैसे एक्ट जो है वो बटा हुआ है 29 चैप्टर्स में। कितने चैप्टर्स में, एक बार बोलो, एक बार ध्यान से बोलो, कितने चैप्टर्स में? 29 चैप्टर्स में। कितने सेक्शंस है सर इसमें? इसमें करीबन अगर आप नंबरिंग में जाओगे तो नंबरिंग में 470 सेक्शंस हैं, पर आप अगर एक एक सेक्शन गिनने जाओगे ना तो आपको गिनती में पता चलेगा 484 सेक्शंस हैं, 470 नहीं 484 सेक्शंस हैं। सर ऐसा क्यों 470 सेक्शन लिख रहे हो 484 है? क्योंकि भैया कंपनीज एक्ट ऐसा बना हुआ है ना, सेक्शन 8 9 10 10 A 12 13, ऐसे ये जो बीच में 10 A आया ये तो काउंट में तो 470 के काउंट में तो नहीं आएगा ये, पर 484 के काउंट में आ जाएगा। आगे चल के कुछ सेक्शंस पढ़ोगे वहां पे तो मान लो आपके सीए इंटर में नहीं है, पर सीए फाइनल के लॉ में है कि भैया आपका सेक्शंस 205 ए बी सी डी ऐसा हो गया। तो इतने अलग अलग बीच बीच में चीजें आती है तो इसलिए इसका काउंट बढ़ जाता है। तो आपके टोटल सेक्शंस कितने हो गए? 484 सेक्शंस हो गए। शेड्यूल्स है सर, शेड्यूल्स मतलब क्या होता है मेरे को कोई बता सकता है? शेड्यूल मतलब जैसे अगर आप मेरा समरी नोट्स देखोगे तो समरी नोट्स के लास्ट के कुछ पेजेस में ना देखोगे कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर रखी है मैंने, जैसे कि क्या सारे ओआर का समरी बना रखा है, सारे एसआर का समरी बना रखा है, सारे टाइम लिमिट्स का समरी बना रखा है। तो ये जो मैंने छोटी छोटी चीजें कर रखी है, क्या ये जो मैंने छोटी छोटी चीजें कर रखी है जो बुक के नीचे आती है, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, या फिर इनको बोल लो शेड्यूल। शेड्यूल्स आर समथिंग विच इज ऑल्सो अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्ट। तो शेड्यूल्स कितने हैं सर? हमारे 7 शेड्यूल है। शेड्यूल हमको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, पर हमने पता होना चाहिए कि जब हम शेड्यूल बोल रहे हैं तो शेड्यूल से हमारा क्या मतलब होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है? सर ये हो गया आपके कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन। सर आपको अगर कभी भी कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट रेफर करना है, जो मैं चाहता हूं कि आप क्लास के साथ थोड़ा थोड़े करो, तो आपने क्या करना है, आपने सर जाना है ई बुक में, ई बुक एमसीए सर्च करना है। गूगल में जाके ई बुक एमसीए सर्च करोगे, सर हमारे प्यारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा कंपनीज एक्ट को ई बुक में डाल रखा है, पूरे कंपनीज एक्ट को ई बुक में, मतलब आप उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। आप गए एक्ट्स और रूल्स में, जब आप एक्ट्स और रूल्स में जाओगे और आप एक्ट्स में क्लिक करोगे, कंपनीज एक्ट पे क्लिक करोगे, तो आपको दिखेगा कि आपका पूरा का पूरा एक्ट यहां पे है। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो देखो भैया ये जो कंपनीज एक्ट है ना ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वन से शुरू होता है, दिया हुआ है दिया हुआ है दिया हुआ है, ये रोमन नंबर्स में इसकी नंबरिंग है। और आप देखोगे लास्ट वाला जो चैप्टर है वो 29th चैप्टर यानी कि मिसलेनियस है। और उसके बाद आपके चैप्टर में देखो मिसलेनियस चैप्टर पे क्लिक किया मैंने तो सेक्शंस अगर आप देखोगे तो लास्ट सेक्शन कौन सा आता है सर आपका, ये देखो 470 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये आपका आखिरी सेक्शन है। और उसके बाद आप देखोगे तो शेड्यूल आते हैं, शेड्यूल 1 2 3 4 करके शेड्यूल 7 तक आपके शेड्यूल है। ये देखो
शेड्यूल 7 एक्टिविटीज विच मे बी इंक्लूडेड बाय द कंपनीज इन देयर सीएसआर पॉलिसीज, ऐसा कुछ तो भी लिखा है। ये शेड्यूल 7 है, यहां तक आपका शेड्यूल है और ये पूरा आपका कंपनीज एक्ट का फ्लो है। कभी भी फेयर आज प्रेफर करना चाहे तो आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। पर सर ऐसा नहीं है कि इस वेबसाइट में गलतियां नहीं है, इस वेबसाइट में छोटी मोटी गलतियां हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आपको इस वेबसाइट में गलती मिली तो आप आके मेरा समरी नोट्स रेफर करोगे। समरी नोट्स में भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप जाके आईसीआई मॉड्यूल रेफर करोगे। आईसीआई मॉड्यूल और समरी नोट्स अगर मैच कर गया तो आपके समरी नोट्स पे ही स्टिक करोगे, पर आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। पूरा प्रूफ रीडिंग हो चुका है बुक का, आपको किसी भी तरह का एरर नहीं मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। तो सर अगर मैं आपको मेरी बात समझ में आ गई तो मेरे को सबसे पहले बताओ कंपनीज एक्ट अगर हम शुरू करें, सर अगर मैं कंपनीज एक्ट शुरू करूं, आप यहां पे देखो मैंने लिखा कंपनीज एक्ट 2013, यहां पे लिखा है स्टेटस एक्ट नंबर अमेंडमेंट और फिर नीचे कुछ लिखा हुआ है सर, यहां पे एक चीज लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे लिखा है एन एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, फुल स्टॉप। बस इतना ही पढ़ो, फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है, व्हाट इज दिस थिंग, आपको मैं बताऊं, कोई भी एक्ट अगर शुरू होता है ना, एक्ट शुरू होते ही वहां पे एक चीज लिखनी पड़ती है। आप हर एक्ट के साथ लिखते हो, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रीएम्बल, आप हर एक्ट के एकदम फर्स्ट लाइन में लिखते हो प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का क्या मतलब होता है सर? प्रीएम्बल का मतलब होता है अगर कोई तुमसे आके पूछे कि आप अपने बारे में डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन और टू लाइंस, मतलब आप क्यों क्या हो वो आप हमको एक लाइन में समझाओ, तो जो चीज आप बोलोगे ना उसको हम कहते हैं प्रीएम्बल। अगर आप कंपनीज एक्ट से पूछो, अगर आप कंपनीज एक्ट से पूछो कि कंपनीज एक्ट तू क्यों बना है, कंपनीज एक्ट तू क्यों बना है, एक लाइन में बता तू क्यों बना है, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा उसका प्रीएम्बल, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है, मेरे साथ साथ लिखना, इन्होंने लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, दो कीवर्ड है सर आपके, कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू द कंपनीज, लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज, इसके लिए आपने एक एक्ट बनाया कंपनीज एक्ट 2013। सर मेरे को एक बात बताओगे, कंपनीज एक्ट सबसे पहली बार 2013 में आया कि उसके पहले भी कभी हुआ करता था? सर आपको अपने पहले के थोड़े से नॉलेज से पता होगा, जनरल नॉलेज से भी पता होगा आपको अपने, कि कंपनीज एक्ट जो है ना 2013 में आने के पहले कंपनीज एक्ट 1956 में भी था, और कंपनीज एक्ट 1956 के पहले भी था कि 1956 में पहली बार आया, मेरे को नहीं पता सर, तब तो मेरे परदादा भी पैदा नहीं हुए होंगे। सर 1956 के पहले भी था क्या? जी हाँ, आपका ना कंपनीज एक्ट पहली बार 1956 में नहीं आया, वो आया कंपनीज एक्ट 1913 में, 1913 में आने के बाद 1956 में आया, और फिर उसके बाद कब आया, 2013 में आया। तो आपका कंपनीज एक्ट जो है ये उसका तीसरा वर्जन है। मेरे को बताओ, ये जब कंपनीज एक्ट 2013 बना रहे थे इनका ऑब्जेक्ट क्या था? सर ध्यान से सुनना प्लीज, थोड़ी बात सोच के बताना मेरे को, जब कंपनीज एक्ट 2013 बन रहा था तो उनका ऑब्जेक्ट क्या था राजा? उनका ऑब्जेक्ट ये था कि सर क्या हम कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाए? नहीं भैया, लॉ तो पहले से बना हुआ है ना, ये देख लॉ तो पहले से बना हुआ है, मेरे को नया लॉ तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूं? हुआ क्या था सर, पहले एक्ट आया, एक्ट के बाद बतेरे अमेंडमेंट्स आए, कुछ अलग अलग रूल्स आए, कुछ अलग अलग क्लैरिफिकेशन आए, इतनी सारी चीजें होने के बाद ना एक्ट पूरा बिखर सा गया था, एक्ट जो है वो क्या हो गया था, पूरा बिखर सा गया था। और जब एक्ट पूरा बिखर सा गया राजा, तो उस समय पे हमको समझ आया कि अब हमको इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके और फिर से अमेंड करके एक नया वाला एक्ट चाहिए, और इसलिए हमने क्या बनाया, हमने एक नया वाला कंपनीज एक्ट बनाया जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू द कंपनीज, जो लॉज बने हुए हैं उनको इकट्ठा करना और अमेंड करके इंप्रूव करना, इसके लिए हमने क्या बनाया, कंपनीज एक्ट 2013 बनाया। सर आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है सर, ये हो गया आपका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब क्या, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन लाइन और टू लाइंस। तो प्रीएम्बल में आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप किस तरीके, क्या प्रीएम्बल में आपको बताया जाता है कि क्या एक्ट के बारे में होता है। अब सर ये हो गया आपका आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा गोता मारते हैं। सर मैंने आपसे कहा कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं,
उस 470 सेक्शंस में क्या पूरे के पूरे आपको पढ़ने हैं? ना जी ना, आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, आपको सेक्शन 1 से लेकर के 148 तक पढ़ना है, आपको सेक्शन 1 से लेकर के 148 पढ़ना है, जो शुरू के 10 चैप्टर्स है, जो शुरू के 10 चैप्टर है। और उसके साथ आपको एक इस बार तोहफे में एक नया एक्ट मिला, एक नया चैप्टर मिला है, जो आप लोग पहले नहीं पढ़ते थे पर आपके न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, वो है आपका कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो है आपका कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो आपके बाहर की कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है। सर ये जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ये शुरू होता है 379 से और ये चलता जाता है 393 तक, 379 से लेकर 393 तक चलता जाता है। ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के बारे में। तो ये दो तरह की टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है, एक पूरा फ्लो में है और एक बाद में एक अलग सा पोर्शन है, जिसको हम प्यार से ना सर प्यार से हम इसको फॉरेन कंपनी भी कहते हैं, प्यार से हम इसको क्या कह देते हैं, प्यार से हम इसको फॉरेन कंपनी भी कहते हैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, क्या मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी सर। चलो अब आप अपने नोट्स में हेडिंग डालो सेक्शन 1। व्हाट इज सेक्शन 1? ज्यादा गप नहीं मारेंगे सर, बहुत सिंपल है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सर ये सेक्शन का नाम है, ये सेक्शन का हेडिंग है। सेक्शन का हेडिंग क्या है? सेक्शन का हेडिंग है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी। ये जो सेक्शन है ना, ये चार चीजों के बारे में बात करता है। सबसे पहले बोलता है कि मेरे को इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल बताओ, फिर बताओ इसका एक्सटेंड कि कहां तक ये एप्लीकेबल होता है, फिर बताओ कमेंस, ये एक्ट कमेंस कब से होगा, और फिर उसके बाद बताओ एप्लीकेबिलिटी, ये किसको किसको एप्लीकेबल है। ये इस चार सवाल का जवाब देता है सर आपका पहला सेक्शन। बहुत सिंपल है, शॉर्ट टाइटल मतलब क्या सर? आप पढ़ रहे हो कंपनीज एक्ट, तो इसका नाम है द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013। क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, ये जो इसका नाम है ये इसका शॉर्ट टाइटल है। शॉर्ट टाइटल मतलब सर घर का नाम, निकनेम नहीं सर, शॉर्ट टाइटल मतलब आपका स्कूल का नाम, प्रॉपर नाम बताओ, व्हाट इज योर शॉर्ट टाइटल। इस शॉर्ट टाइटल के सामने सर पहले के जमाने में हुआ करता था लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल मतलब थोड़ा और अपने बारे में समझाओ, पर्सनल टाइटल नहीं होता है, अब प्रीएम्बल होता है, शॉर्ट टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल मतलब क्या? कंपनीज एक्ट का नाम, कंपनीज एक्ट। उसके बाद दोस्तों आपका आता है एक्सटेंड, ये कहां तक एक्सटेंड करेगा? दिस अप्लाइज टू, तुम मेरे को बता सकते हो? दिस अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, राजा ओ राजा, पूरे के पूरे भारत को अप्लाई करता है ये। सर जम्मू कश्मीर हटा दे, एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, ऐसा कुछ लिख दे भैया। अमित शाह का शुक्र मनाओ, अब जम्मू कश्मीर जब आपने होल ऑफ इंडिया बोला तो इंडिया के ही होल में जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, तो अब आपको अलग से इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद कमेंसमेंट की बात करें तो ये कब से कमेंस होगा? मैंने आपको समझाया था, जब आप इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करोगे ना, जब आप इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करोगे ये तभी से कमेंस हो जाएगा, जब आपने इसको ऑफिशियल गैजेट में डाला। रुको जरा आपको कुछ दिखाता हूं, ये देखो सर हम जाते हैं, अगर मैं अपने वेबसाइट में अगर मैं जाऊं और गूगल में टाइप करूं ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, सर दो गैजेट होते हैं ठीक है, एक तो ऑफिस, एक इंडिया का मतलब सेंट्रल का, एक स्टेट का। हमको ध्यान रखना है हमको e-gadget.gov.in में जाना है, जो ऑफिशियल गैजेट है मतलब सेंट्रल का गैजेट है ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आप देखोगे अगर मैं इस पर क्लिक करूं, क्या हो रखा है नेट को, इंपॉर्टेंट नोटिस, ठीक है भाई, एक लास्ट ट्राई करेंगे। हाँ ये रहा सर, ये खुल गया आपका ऑफिशियल गैजेट। अगर आप देखोगे द गैजेट ऑफ इंडिया, जिसको हम ऑफिशियल गैजेट कहते हैं, यहां पे मिनिस्ट्री देखो, डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसमें आप देखो तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग यहाँ पे गैजेट्स में पब्लिश करते हैं। जैसे आप देखो पहला वाला कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। उन्होंने कुछ तो भी पब्लिकेशन किया है 2 दिसंबर को और गैजेट आईडी दे रखा है, ऐसा पुराना ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग पब्लिकेशन करते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल गैजेट हो गया। यहाँ पे जब एक बार पब्लिश हो जाता है ना, जब जिस दिन यहाँ पे कंपनीज एक्ट दिखा होगा उस दिन से कंपनीज एक्ट जो है वो अप्लाई होना शुरू हो गया होगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर। उसके बाद बताओ एप्लीकेबिलिटी। सर ये जो एक्ट आपने बताया ये किसको किसको एप्लीकेबल है? सर ये ना तीन कैटेगरी के लोगों को एप्लीकेबल है, 1, 2, 3।
पहला, टू ऑल द कंपनीज, जितने भी आपके कंपनीज हैं जो अंडर दिस एक्ट या अंडर एनी प्रीवियस लॉ, कि आपको अपने नोट्स में लिखते रहना है राजा, आपको किसको एप्लीकेबल है, ये सारे कंपनीज को एप्लीकेबल है सर। लिखते मतलब ऐसे देख देख के मत लिखो, लिखते मतलब सुन सुन के लिखो। सर हम क्या बोल रहे हैं, कंपनीज आप किसको अप्लाई होने वाले, तीन तरह के लोगों को। सबसे पहले मैंने कहा कि भैया ये जो भी कंपनीज इस एक्ट के अंदर बने हैं या किसी प्रीवियस लॉ के अंदर बने हैं उन सबको अप्लाई होगा। क्या मतलब सर, इस एक्ट मतलब क्या, आपकी कंपनीज एक्ट 2013, और प्रीवियस लॉ मतलब क्या, कंपनीज एक्ट 1956। तुम मेरे को बताओ आपकी रिलायंस इंडस्ट्री है ये कब बना है, कंपनीज एक्ट 2013 में बनाए कि ये पहले के लॉ में बनाए। सर ये तो बहुत पुराना, ये तो कंपनीज एक्ट मोस्टली कंपनीज एक्ट 1913 के लॉ में बना होगा, ये तो 1956 भी नहीं, ये तो कंपनीज एक्ट 1913 के लॉ में बना होगा। तो भैया ये तो एक कंपनी तो है ना, भले वो उस एक्ट के अंदर नहीं बनाए पर इसी के प्रीवियस लॉ के अंदर तो बनाए ना, तो उसको भी आपका कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैंने बोला सारे कंपनीज को अप्लाई होगा, किसको, सारे कंपनीज को जो इस एक्ट के अंदर बने या किसी भी प्रीवियस लॉ के अंदर बने हैं। उसके बाद सर चार स्पेशल कंपनीज आती है, एक तो बैंकिंग, ठीक है, दूसरी इंश्योरेंस, ठीक है, तीसरी इलेक्ट्रिसिटी, और कोई भी अदर स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई कंपनी आती है। कोई भी ऐसी कंपनी आती है जो किसी और स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई है, इस तरह की चार तरह की कंपनीज आती है। एक तो हो गया आपकी बैंकिंग कंपनी, एक होगी इंश्योरेंस कंपनी, एक इलेक्ट्रिसिटी, और एक कोई स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी। अगर ये चार तरह की कंपनीज आप देखोगे तो इनको भी क्या अप्लाई होता है, इनको भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। अब आप यू पूछेंगे सर कि आप कितने पैसे कमाते हैं, नहीं 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 वो नहीं बोले सर। अब आप क्या पूछोगे, अब आप एक बात पूछोगे कि सर ने बोला सारे कंपनीज को अप्लाई होगा, अगर ये बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी भी इसी एक्ट के अंदर या किसी प्रीवियस लॉ में बने हैं तो उनको वैसे भी अप्लाई होगा ना, दोबारा आपको लिखने की क्या जरूरत थी। लिखने की जरूरत ये थी कि भैया जब आप बैंकिंग कंपनीज की बात करो ना, जैसे बैंकिंग कंपनीज में मतलब क्या हो गया सर, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई लिमिटेड, इट इज कंपनी, बट एट द सेम टाइम सर उसको आप बोलोगे कंपनीज एक्ट लगा देते, लगा दे, लेकिन सर आईसीआईसीआई का एक और राजा बैठा हुआ है। कौन सा राजा, वो एक बैंक है, तो उसको बैंक को रेगुलेट करने के लिए ना हमारे पास एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है। एक क्या होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और मैं आपको बताता हूं वास्तविक में, रियलिटी में कंपनीज एक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है बैंक्स के लिए। दोस्तों बैंक्स के लिए कंपनीज एक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि भैया हमने बहुत सेफर साइड में से धीरे से बोल दिया, बैंकिंग कंपनी सुनना मैं भी तेरे को अप्लाई करूंगा, तो इसलिए उसको क्या एप्लीकेबल हो गया, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो गया। पर एक बात बता दूं क्या, कभी इन दोनों में अगर लड़ाई हो जाए ना, लड़ाई इन द सेंस ये बोलता है कि कंपनी में डायरेक्टर तीन चाहिए और ये बोल दे अगर कि कंपनी में डायरेक्टर पांच चाहिए। डायरेक्टर मतलब कौन सर, डायरेक्टर मतलब वो लोग जो कंपनी को चलाते हैं। अगर कंपनीज एक्ट बोलता है डायरेक्टर तीन चाहिए पर आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है घंटा, हमको तो मिनिमम पांच डायरेक्टर चाहिए, तो आप चुपचाप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात मानोगे, फिर आप कंपनीज एक्ट को बोलोगे जा तेल लेने। आप किसकी बात मानोगे, आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात मानोगे। क्यों, क्योंकि भैया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी हमने बोला जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहां तो तू कंप्लाई कर ही सकता है ना। मान लो हमने बोला तीन डायरेक्टर रख, इसने कुछ नहीं बोला डायरेक्टर के बारे में, तो तू कंपनीज एक्ट की बात तो मान ही सकता है ना। इसलिए हमने क्लैरिटी के लिए बोल दिया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सारे इंश्योरेंस एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये सारे अप्लाई होंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सच स्पेशल एक्ट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सच स्पेशल एक्ट मतलब क्या, इनका जो रेस्पेक्टिव एक्ट है, बैंकिंग के लिए है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस के लिए है इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, और कोई स्पेशल एक्ट अगर है तो वो स्पेशल एक्ट में जो प्रोविजन लिखा है ना उसको ध्यान रखते हुए हम अप्लाई करेंगे, वरना हम अप्लाई नहीं करेंगे। और उसके बाद दोस्तों तीसरा आ जाता है कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाई सीजी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके किसी बॉडी कॉर्पोरेट का नाम दिया, किसी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब थोड़ी देर में समझेंगे, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट का नाम दिया तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को भी क्या हो जाएगा, आपका ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा कंपनीज एक्ट का। तो कंपनीज एक्ट यू तो बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई नहीं होता है, तो किसको होता है सर, कंपनीज को अप्लाई होता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके किसी बॉडी कॉर्पोरेट का नाम दिया तो उसको भी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। समझे क्या, समझे क्या दोस्तों, यहां तक बात क्लियर है, किसको एप्लीकेबल है समझा आपको, डिड यू अंडरस्टैंड सेक्शन वन। हाँ जी,
समझा आपको सेक्शन वन? हाँ जी सर। सर क्या आप मेरे को ये बता सकते हो, बैंकिंग एक्ट का तो आपने एग्जांपल दिया, जैसे कि अपना एक्सिस लिमिटेड हो गया, एक्सिस बैंक लिमिटेड हो गया, अपना आईसीआईसीआई लिमिटेड हो गया, सर क्या आप बता सकते हो स्पेशल एक्ट में क्या आएगा? ये जो आपने स्पेशल एक्ट लिखा राजा, स्पेशल एक्ट में आएगा एलआईसी एक्ट। आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन उसके लिए एक अलग से एक्ट बना है एलआईसी एक्ट। उसके अंदर एक कंपनी बनी है एलआईसी, एलआईसी एक कंपनी है तो उसको भी कंपनी से एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू दैट स्पेशल एक्ट। जब तक एलआईसी एक्ट कुछ और बोल रहा है तो हमारी बात मत मानना, पर अगर उसने कुछ नहीं बोला तो हमारी बात मान लेना, ठीक है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है सर। ये क्या हो गया, ये आपकी एप्लीकेबिलिटी हो गई, जिसमें मैंने आपको बताया किसको एप्लीकेबल होता है ये प्रोविजन, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा इस तरीके से आपका कंपनीज एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। उसके बाद सर ये एप्लीकेबिलिटी के बाद आगे आ जाओ और हम अभी शुरू करते हैं वो चीजें जो आपके एग्जाम में आएगी, वो चीजें जो आपके एग्जाम में आएगी सर, जिसका नाम है सेक्शन। यार एक सेकेंड रुक जाओ प्लीज। सॉरी गाइस, सो सॉरी। चलो सर, एक वो स्टूडेंट परेशान हो रखा था, वो बेचारा बार बार कॉल कर रहा था। सुनो मेरी बात प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आगे लिखो प्लीज अपना सेक्शन नंबर टू, हेडिंग डालो सेक्शन नंबर टू, और सेक्शन नंबर टू में लिखो डेफिनेशंस। सर क्या है सेक्शन नंबर टू? डेफिनेशन। आगे चल करके जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो आप सेक्शन नंबर थ्री से शुरू करोगे और पढ़ पढ़ के सेक्शन नंबर 470 तक जाओगे। जब आप इतने सारे सेक्शन पढ़ोगे तो बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे कि सर आप बार बार कंपनी वर्ड यूज करोगे, आप बार बार बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यूज करोगे, आप बार बार बहुत सारे वर्ड यूज करोगे, कभी आपने प्राइवेट कंपनी बोला, कभी आपने पब्लिक कंपनी बोला, ये सारे वर्ड्स कहां, ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है सर? तो आपने बोला मतलब क्या है वो हम वहीं पे बता देंगे। तो आप मान लो कंपनी वर्ड अगर आप 100 बार यूज कर रहे हो तो आप 100 बार कंपनी का मतलब क्या है बताते बैठोगे? नहीं सर, आप इतनी बार तो नहीं बता सकते ना, तो इसीलिए आप इसके पहले एक सेक्शन बनाते हो, सेक्शन नंबर टू आप बनाते हो, सेक्शन नंबर टू। सेक्शन नंबर टू में आप क्या करते हो, डेफिनेशन लिखते हो। जनरली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग, आप किसी भी एक्ट को जनरली अगर उठाओगे ना तो सेक्शन नंबर टू में आपको डेफिनेशन ही मिलता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं सर जनरली स्पीकिंग, मतलब कुछ एक्ट ऐसे भी है जहां पर टू में डेफिनेशन नहीं दिया होगा, थ्री में लिख देंगे, थ्री में नहीं दिया होगा, फाइव में लिख देंगे। ऐसे अलग अलग सेक्शन में आपको डेफिनेशन मिल सकते हैं जनरल, लेकिन अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं ना तो सेक्शन नंबर टू में डेफिनेशन होता है। सर क्या आप मेरे को बता सकते हो कोई एक्सेप्शन जहां पे सेक्शन टू में डेफिनेशन नहीं लिखा हो? हाँ जी बिल्कुल, आपका जनरल क्लॉज एक्ट जो आपके सिलेबस में है उसमें सेक्शन टू में डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, उसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है सेक्शन थ्री में। आपके सिलेबस में एक एक्ट नहीं है जिसको हम कहते हैं इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, उसमें भी सेक्शन टू में डेफिनेशन नहीं है, सेक्शन थ्री में और सेक्शन फाइव में डेफिनेशन है, सेक्शन थ्री में भी और सेक्शन फाइव में भी है। तो इस तरीके से ये देखो क्या करे केशव मित्तल का, बताओ। हाँ केशव, मैंने आपको बार बार बोला है ये स्क्रिबल नोट्स की तरह आपको ये सारी चीजें लिखनी है राजा, स्क्रिबल की तरह आपको सारी चीजें लिखनी है जो मैं लिख रहा हूं ना आपको समझा समझा के। जैसे मैंने बोला केशव कि सेक्शन टू डेफिनेशन लिखो, तो आपने क्या समझा उससे? उसमें एक वर्ड था लिखो, लिखो का मतलब राइट, ठीक है? प्लीज मेरी बात सुनो दोस्तों, केशव ध्यान से सुनो राजा, केशव मित्तल सुन मेरे भाई, डेफिनेशन सेक्शन टू क्या है, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है, बहुत सारे अलग अलग शब्द आएंगे जिसका डेफिनेशन दिया हुआ। अब दोस्तों मैं आपको एक बार रुक करके ये बताऊं, क्या आपको ये डिफरेंस पता है, व्हाट इज सेक्शन, व्हाट इज सबसेक्शन, व्हाट इज क्लॉज एंड व्हाट इज सब क्लॉज, व्हाट इज सेक्शन, व्हाट इज सबसेक्शन, व्हाट इज क्लॉज एंड व्हाट इज सब क्लॉज, आपको पता है ये चीजें क्या है?
दोस्तों जब आपने डिसाइड किया कि आप एक चैप्टर में क्या करोगे, आप एक चैप्टर में प्रोविजन लिखोगे, तो जब आपने चैप्टर में प्रोविजन लिखने का डिसाइड किया तो आपने लिखा चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन में अब आपको सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है ना वो आप लिखोगे सेक्शन। उस सेक्शन में आपने बहुत सारी बातें लिखी 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 लिखी, अब आपको सब पॉइंट्स डालने, मतलब और पॉइंटर्स में डिवाइड करने, आपने ब्रैकेट में डाले कुछ नंबर्स और अब आप लिखने लग गए सब सेक्शन। जब आप सब सेक्शन लिख रहे हो तो आप सब सेक्शन लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, अब आपको लगा मेरे को फिर से इसको थोड़े से पॉइंट्स में ब्रेक करना है, तो आप इसको ब्रेक करोगे क्लॉजेस में। अब आप इसको ब्रेक करोगे क्लॉजेस में, और जब आप क्लॉजेस लिखते गए और इसके बाद फिर आपको लगा ब्रेक करना है, तो आप इसको ब्रेक करोगे सब क्लॉजेस में, आप इसको ब्रेक करोगे सब क्लॉजेस में। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज को ब्रेक करते हो, और उस तरीके से आप क्या करते हो पूरे पॉइंटर्स में डिवाइड करते हो। तो सर क्यों इतना डिवाइड करना जरूरी है? अरे मेरे एक बात बता मेरे भाई, जब तुम इतना बड़ा बड़ा एक्ट लिख रहे हो ना, तो हर एक लाइन का एक रेफरेंस कोड होना चाहिए, कि अगर मैं इस लाइन को रेफर कर रहा हूं तो फिर मेरे को बोल सके कि इस सेक्शन के इस सब सेक्शन के इस क्लॉज के सब क्लॉज की बात हो रही है। क्यों सर? क्योंकि यार कल को जब कोर्ट में लड़ाई होगी और कंपनीज एक्ट की बहस चल रही होगी और मैं एक लॉयर हूं और सामने मेरा एक लॉयर है, मैं उसको क्या बोलूंगा, सुनना फिफ्थ पेज का फोर्थ वाला पॉइंट कॉल, फिफ्थ पेज का फोर्थ वाला पॉइंट कॉल, उसमें देख क्या लिखा हुआ है। सामने वाला बोलेगा तू कौन सी बुक ले रखा है, मैं अल्टीमेट सॉल्यूशन बुक ले रखा हूं, मैं तो आईसीए का मॉड्यूल ले रखा हूं। अरे यार ये तो अलग ही गेम चल रहे हैं, तुम ऐसी बातें नहीं करोगे, तुम बातें क्या करोगे, तुम बोलोगे सुन भाई सेक्शन नंबर फाइव के सबसेक्शन टू का क्लॉज फोर खोल, अब उसको समझेगा अच्छा ये वाला पॉइंट है। तो ये रेफरेंसेस बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, हमने एक्ट को एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से डिवाइड किया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया जब मैं आपसे कहूं कि आपका, अगर मैं आपसे कहूं इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये सेक्शन है और ये सब सेक्शन है, सेक्शन फाइव सब सेक्शन वन, सेक्शन फाइव सब सेक्शन वन। सर क्लॉज और सब क्लॉज, क्लॉज कैसे होता है, क्लॉज हो गया आपका मान लो ए और सब क्लॉज हो गया वन टू थ्री फोर, ऐसा क्लॉज हो गया आपका ए और उसके बाद सब क्लॉज हो गया वन टू थ्री फोर, इस तरीके से आप नंबरिंग देते हो। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब जनरली ये होता है सेक्शन फाइव सब सेक्शन वन क्लॉज ए सब क्लॉज वन, क्लॉज ए सब क्लॉज वन, इस तरीके से आप जनरली डिवाइड करते हो। कि आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। मैं आपसे अगर पूछूं, चलो आगे बढ़ते, अब मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेक्शन नंबर टू, ठीक है, सेक्शन नंबर टू जिसका मतलब है डेफिनेशन। मेरे को एक बात बताओ सर, जो आपका डेफिनेशन है उसमें सेक्शन टू मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा कंपनी का डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन, कंपनी का डेफिनेशन, व्हाट इज अ कंपनी। आप इतने दिन से कंपनी करने वाले हो सर, अभी कंपनी क्या होता है, तो मैंने बोला कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन 220 में, सेक्शन 220 में। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये 220 में 2 क्या है और 20 क्या है, तो फटाफट जवाब दोगे चैट में, जरा एक बार कोशिश करना, गलत हो जाओगे तो मजा ही आ जाएगा, एक बार जरा कोशिश करना 2 क्या है 20 क्या है। टू ट्वेंटी में कंपनी डिफाइंड है, जरा बताना 2 क्या है और 20 क्या है। राजा 2 जो है ना वो आपका सेक्शन है और 20 है ना वो आपका क्लॉज है। क्या कहा मैंने, 2 जो है सेक्शन है, 20 जो है क्लॉज है। वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट गाइस। 2 और 20 में 2 जो है सेक्शन है, 20 जो है क्लॉज है। सर देखो आप गलत पढ़ा रहे हो पहले, फिर आप समझा, आप सवाल पूछो। आपने अभी अभी ऊपर, मेरे पास रिटन एविडेंस है सर, आपने अभी अभी ऊपर लिखा कि ब्रैकेट में नंबर जो आता है वो सबसेक्शन होता है, और अभी यहां पे आप अलग ही बकवास कर रहे हो, अलग ही बकवास कर रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो सर, ये जो 2 क्लॉज 20 है आपने अभी अभी बोला था ये सबसेक्शन है, अब आप बोल रहे हो ये क्लॉज है। हाँ जी सर ये क्लॉज है। क्यों सर? आप देखो इधर आ जाओ, आ जाओ एक बार जरा। हम लोग क्या करते हैं ईबुक एमसीए के वेबसाइट में चले जाते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है। मेरे को तो एग्जाम ओरिएंटेड वाली फील ही नहीं आ रही है सर, मेरे को तो पूरी लॉ वाली फील आ रही है, पूरी रेगुलर वाली फील आ रही है। पर मैं आपको बता दूं शुरू में ये पेस बनाने के लिए है, आगे चल के जब हमारे कंट्रोल में आएगा पेस तो उसके बाद हम सिलेबस पर फोकस करेंगे पूरा। अभी आपको समझाने के लिए, बेसिक चीजें समझाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये सारी चीजें चल रही है। दोस्तों सुनना मेरी बात सर, ऊपर जो 2 लिखा है ना वो सेक्शन है और नीचे जो 1 लिखा है ना आपको लगेगा ये सबसेक्शन है, लेकिन यहाँ पे सबसेक्शन नहीं है, ये क्लॉज है। क्लॉज कैसे है सर, ये जो एक लाइन दिख रहा है आपको, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, एक लाइन लिखा है सेक्शन 2 डेफिनेशन, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स।
सर आपने एक हेडिंग डाली और उस हेडिंग के नीचे आपने बहुत सारे पॉइंट्स डाले, आपने बहुत सारे पॉइंट्स डाले, तो सर जब आप एक कॉमन हेडिंग के नीचे बहुत सारे सब पॉइंट्स लिखते हो ना, तो वो सब सेक्शन में क्लॉज बनता है। जब आप एक हेडिंग के नीचे बहुत सारे सब पॉइंट्स लिखते हो तो वो क्लॉजेस बनते हैं, वो सब सेक्शन नहीं बनते, वो क्लॉजेस बनते हैं। सर सब सेक्शन क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसा आपने सब सेक्शन लिखा, उसका कोई कॉमन हेडिंग नहीं है, पर यहां पे आपने एक कॉमन हेडिंग लिख दिया। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अब्रिज प्रोस्पेक्टस मीन्स ये, काउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स ये, तो आपने ये मेन हेडिंग है और इसके साथ साथ आप सारी चीजें पढ़ोगे तो ये क्लॉजेस ही बनेंगे। तो सर जब क्लॉजेस ही बनाना था, चलो सहेलिया क्लॉज बनाना था, तो यहाँ पे आप अल्फाबेट डाल देते, एबीसीडी कर देते, 1 2 3 4 क्यों किए, कोई बता सकता है क्यों किए? सर आप एबीसीडी कर देते, ये 1 2 3 4 करने की क्या जरूरत थी? राजा अगर एबीसीडी यूज करते ना तो 26 अल्फाबेट पे खत्म हो जाता। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने टोटल कितने डेफिनेशंस दे रखे हैं, अगर आप देखोगे तो इन्होंने टोटल 93 कुछ और 95 डेफिनेशंस दे रखे हैं। 95 डेफिनेशंस फिर अल्फाबेटिकली कैसे करते हैं, ए टू जेड, फिर ए ए ए बी ए सी, फिर ए बी, ऐसा बकवास हो जाता यार, बहुत गलत हो जाता। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको नंबर में डाला, पर ये सारी चीजें क्लॉज है, तो ध्यान रखना 2 क्लॉज 20 होता है, 2 सबसेक्शन 20 नहीं होता, सेक्शन 2 क्लॉज 20 होता है। ठीक है सर, समझे क्या सर? ये चीजें यूनिक है, समझे क्या? हाँ जी सर, अगर समझ गए तो आगे लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, लिखो कंपनी मीन्स एनी कंपनी, केशव मित्तल लिखना जरूर, ठीक है, चलो गुड भूमिका, चलो कंपनी मीन्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, कंपनी का मतलब जो इस एक्ट में बना है या जो पुराने किसी लॉ में बना है वो सारी चीजें कंपनी होती है। जैसे अगर आप देखोगे कुछ नए कंपनीज अगर एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, जैसे कि मान लो नाइका, वैसे तो बहुत पुराना है पर मान लो नाइका अभी नया नया ताजा ताजा कंपनी है, अगर नाइका एक कंपनी है जो नया नया एग्जिस्टेंस में आ रहा है और अगर वो जाके 2013 वाले कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो उसको भी कंपनी कहेंगे, बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। और अगर मान लो मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, ये सारे इस एक्ट में नहीं, पुराने प्रीवियस लॉ में बन चुके हैं, तो इसलिए उनको हम इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ बोलेंगे, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, कंपनी ही बोलेंगे। तो कंपनी मतलब सर वो जो इस एक्ट में बने हैं, या कंपनी मतलब वो जो पुराने लॉ में बने हैं लेकिन कंपनी है, तो उनको हम कंपनी बोलेंगे। ठीक है सर, मेरे को बताओ टेस्ला एक कंपनी है क्या? इस टेस्ला अ कंपनी, बताओ इस टेस्ला अ कंपनी, बोलो राजा, बोलो 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 सर। नो, टेस्ला इज नॉट अ कंपनी। क्या बात कर रहे हो सर, टेस्ला तो कंपनी है ना? अरे वो फीलिंग वाला कंपनी, मतलब फीलिंग वाला मतलब तो टेस्ला भी कंपनी है, एप्पल भी कंपनी है, फेसबुक भी कंपनी है, पर जब हम किसी चीज को जब कंपनी कहते हैं ना राजा, तो याद करना हम उसको पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई करवा देते हैं। तो अगर आप देखते हैं एप्लीकेबिलिटी में, तो हमने बोला सारे कंपनीज को कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। आज तू अगर टेस्ला को जाके बोलेगा टेस्ला सुन भाई मेरा कंपनीज एक्ट फॉलो कर, बोलेगा क्यों, मेरा तुझसे कोई नाता ही नहीं है, मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है इंडिया के साथ, तो मैं क्यों कंपनीज एक्ट फॉलो करूं, मैं तो नहीं करूंगा। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, व्हेन यू आर कॉलिंग समवन अ कंपनी इट मींस इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। कि टेस्ला यहां इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है ना जी ना, तो उसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे। जनरल सेंस में वो कंपनी है, जनरल इंग्लिश बोलोगे ना तो वो कंपनी है, पर अगर आप लीगली कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे ना, तो टेस्ला कंपनी नहीं है, और अगर कंपनी नहीं है तो उसको कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सर क्या आपको मेरी बात समझ में आई, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। और सर इसमें ना एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, हाईलाइट द वर्ड मीन्स, हाईलाइट द वर्ड मीन्स, हाईलाइट द वर्ड मीन्स। ठीक है, अब आ जाओ सर अगले डेफिनेशन में। अभी हमने पढ़ा कंपनी का डेफिनेशन, जब आप कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हो ना तो कंपनी के साथ लगे हाथ को एक और डेफिनेशन पढ़ना पड़ता है जिसका नाम होता है बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी के साथ लगे हाथ एक और डेफिनेशन पढ़ते हो जिसका मतलब, जिसका नाम होता है बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, पहले लिखो। सर बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइंड है सेक्शन 2(11) में, कोई मेरे को बताएगा कैसे पढ़ते 211 को? सेक्शन 2 क्लॉज 11, सब सेक्शन नहीं, क्लॉज 11, ये आपका सेक्शन 2 क्लॉज 11 हो गया। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है राजा।
वो टेस्ला इज अ ब्रांड, हाँ ठीक है, वो वाला स्टैंड भी ले सकते हो तुम, पर सर बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन पढ़ना। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स व्हाट? बॉडी कॉर्पोरेट इज, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है लिखो, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दूसरा बीसी नोटिफाइड बाई सीबी। लिख लिया सर। अब सर थोड़ा सा फर्क देखना, डब्बा बना लेना वर्ड्स इंक्लूड्स में, ठीक है। सबसे पहले तो समझना, जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो डेफिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है एग्जॉस्टिव, एक होता है इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मतलब क्या? एग्जॉस्टिव मतलब जितना मैंने कहा बस उतना ही। एग्जॉस्टिव मतलब क्या? जितना मैंने कहा बस उतना ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में तीन चीजें आती है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स मीन्स लैंड एयर वॉटर फुल स्टॉप। इसका मतलब मीन्स मतलब क्या भैया? ये तीन चीजें ही आएगी, ये तीनों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मीन्स मतलब बस इतना ही, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज मत ऐड करना। क्या वो लैंड है? हाँ। क्या वो एयर है? हाँ। क्या वो वॉटर है? हाँ। तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया, कुछ और है तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। पर अगर आप इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करो, जैसे मैं बताऊं आपको, ब्रांड्स ऑफ मोबाइल इंक्लूड्स एप्पल, इंक्लूड्स एप्पल का मतलब यह है कि सिर्फ एप्पल नहीं है भाई, आप बहुत सारे और भी चीज है जिसमें से एक एप्पल है, एक एप्पल है ब्रांड्स ऑफ मोबाइल में। इंक्लूड्स एप्पल मतलब क्या? सैमसंग भी है, मोटोरोला भी है, आपका वन प्लस भी है, सारे हैं, लेकिन आपका एप्पल भी है। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गया। इंक्लूसिव इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब जितना बोला उतने, इंक्लूसिव मतलब ये और इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। तो सर यहां पर अगर आप देखोगे, जब आपने कंपनी का डेफिनेशन लिखा तो आपने लिखा कंपनी मीन्स, मतलब इतने में बात खत्म। जो इस एक्ट में बने हैं या प्रीवियस लॉ में बने हैं, बस उतने ही कंपनी है, उसके अलावा कोई भी कंपनीज नहीं होते हैं। पर अगर आप बात करो बॉडी कॉर्पोरेट की, राजा अगर आप बात करो किसकी, अगर आप बात करो बॉडी कॉर्पोरेट की, तो बॉडी कॉर्पोरेट में लिखा है इंक्लूड्स, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में क्या इंक्लूड होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट डज नॉट इंक्लूड समथिंग। सर सबसे पहले हमने क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट में ना आता है ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब सर इंडिया के बाहर भी अगर कोई कंपनी बनी है ना, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। अगर इंडिया के बाहर कोई कंपनी बनी है तो उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, टेस्ला क्या ये एक कंपनी है? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। बट अगर आप बात करो टेस्ला क्या ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से पूछो क्या टेस्ला एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जी हाँ, क्योंकि इन्होंने लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर ये तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। एब्सोल्युटली हाँ, हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। तो सर आप समझो, बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म, बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कंपनी इज अ नैरो टर्म। सर ऑल companies are body corporate, but all body corporates are not companies as per Companies Act. Companies Act वाले companies नहीं होते हैं। तो फर्क समझना, जितने भी companies हैं इंडिया के वो body corporate तो है ही, तो उसके अलावा बाकी और भी चीजें जो body corporate होती है, और भी चीजें मतलब क्या सर, कुछ companies जो इंडिया के बाहर incorporate हुई है, companies incorporated outside इंडिया, वो भी क्या बन जाते हैं, body corporate बन जाते हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? अरे डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड सर?
शिवम कह रहे हैं सर डीसी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होता है, क्या ही बताऊं मैं यार आपको, अगर आप मेरे को ऐसे सवाल पूछोगे इतने भोले बन के सवाल पूछोगे तो मैं क्या ही बताऊंगा तुमको। जी हाँ बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ठीक है। सो गाइस बॉडी कॉर्पोरेट और तुम समझे फर्क क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म, कंपनी इज अ नैरोअर टर्म। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनीज आते हैं, ठीक है ये समझ गया। और सर इन्होंने बोला कि इंक्लूसिव में तो क्या आएगा वो हमने बता दिया, बट इट डज नॉट इंक्लूड, मतलब दो चीजों को एक्सक्लूड करता है वो। सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सर आप ना जैसे कि मान लो मैं इस सोसाइटी में रहता हूं, ये सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब 50 एक फ्लैट है, 50 फ्लैट जो है वो मेंटेनेंस कलेक्ट करते हैं 50 फ्लैट से, हर महीने का 5,000 का मेंटेनेंस है। हर महीने का कितना कलेक्शन हो रहा है, 1,00,000 रुपए का कलेक्शन। साल भर का कितना कलेक्शन हो रहा है, साल भर का भाई 30 लाख का कलेक्शन हो रहा है। ये 30 लाख रुपए का जो मेंटेनेंस आ रहा है, ये पैसा कहां जाएगा, किसी इंसान की जेब में जाएगा या कोई एंटिटी में जाएगा? सर आप एंटिटी बोलोगे तो आप क्या पार्टनरशिप फॉर्म बनाओगे, कंपनी बनाओगे? नहीं सर, आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सोसाइटीज होते हैं, ये भी एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, वो बनाते हो आप। अब जब वो बना रहे हो ना तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट मत बोलना भाई, क्योंकि तुम किसी को बॉडी कॉर्पोरेट बोलोगे ना, देखो भैया कंपनी को ना, कंपनी को पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट को ना कुछ सिलेक्ट प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अगर आप ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो हमने बनाया उसको अगर बॉडी कॉर्पोरेट बोल दोगे तो उसको भी कंपनीज एक्ट थोड़ा सा अप्लाई हो जाएगा ना। तो हमने बोला नहीं भैया, ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है ना वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है, उसको बॉडी कॉर्पोरेट मत बोलना। और जो उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ लगा के बोल दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। मान लो टेस्ला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया कि हमारे लिए टेस्ला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ना, भाई ने बोला बापू दिखते हैं तो दिखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो नहीं है, पर उसके अलावा बाकी चीजें क्या हो जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी। सर ये दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी और फाइनल क्लैरिटी दे देता हूं, मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या ये कंपनी है और क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? टेस्ला क्या ये कंपनी है, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? फेसबुक क्या ये कंपनी है, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? एक एक करके जवाब दो सर, पहले रिलायंस का दो, एक मिनट में जवाब दो, मैं आया, फटाफट तीनों लिखो चैट में। लिख लिया सर, अब बताओ फटाफट। हाँ जी सर बताओ अब फटाफट। देखो जो आपका रिलायंस है ना, इट इज अ कंपनी यस, बट इज इट अ बॉडी कॉर्पोरेट? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर श्योर। तो रिलायंस कंपनी भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है। टेस्ला की बात करो, इज इट अ कंपनी? नो इट इज नॉट अ कंपनी, क्यों? क्योंकि वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। तो क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, बिकॉज इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फेसबुक कंपनी है? नहीं, पर क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, सो क्योंकि इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है सर, क्लियर हो गया आपको? एफबी, बीसी, टेस्ला, बीसी, रिलायंस कंपनी, ठीक है। पर सर ये मेरे को ना पता है आप लोगों ने आंसर दिया, पर ये आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, आपने लिखा होगा रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पर रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट है। रिलायंस अगर एक कंपनी है ना तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो मैं अगर आपको और क्लैरिटी के लिए बताऊं तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है सुनना, बॉडी कॉर्पोरेट में इंडिया वाली कंपनी आती है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी आती है, ठीक है। पर बॉडी कॉर्पोरेट में एक्सक्लूड क्या हो जाता है? एक्सक्लूड हो जाता है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो नहीं आते हैं, और जो नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट है। सर नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? सर मान लो जैसे कि आपका ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनेगा तो ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनेगा। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, अगर सीजी ने बोल दिया कि एनएचएआई को
एनएचएआई एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रहेगा तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रहेगा। सर मेरे को एक बात बताओ, क्या बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है? मान लो सर जैसे मैंने कहा कि आपका जैसे एफसीआई है, आपको पता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। अगर मैं आपको कहूं कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या उसको कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? दोस्त ध्यान से सुनना, अगर आपने कहा ये बॉडी कॉर्पोरेट है, वेरी गुड, तो आपको अप्लाई होगा कि नहीं ये कैसे डिसाइड होगा पता है? एप्लीकेबिलिटी में आ जाओ, एप्लीकेबिलिटी में देखो लास्ट लाइन क्या लिखा था, अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर उस बॉडी कॉर्पोरेट का नाम सीजी नोटिफाई करेगा तो उसको कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। मतलब मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया कि हजरात दोस्तों मित्रों यात्रीगण ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, आपका जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो एक बॉडी कॉर्पोरेशन है उसको भी अब कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। अगर ये कह दिया उन्होंने तो उसको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तुमको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो इस तरीके से एप्लीकेबिलिटी डिसाइड होता है। इस तरीके से आपने सर दो ही चीज समझी अभी तक, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुनना मेरी बात। सर जब कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट में डिफरेंस समझ लिए तो अब हम आगे बढ़ के समझते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है। प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 68 में और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है 2 क्लॉज 71 में। जिसको नहीं पता उसके लिए एक चीज बता दूं कि आपका जो सेक्शन 2 का डेफिनेशन होता है ना, वो क्या आपको पता है कि वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है? अल्फाबेटिकली मतलब ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। तो अगर आप देखेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में पीपी सेम है, पहले आर आता है फिर यू आता है। तो इससे पहले 68 में प्राइवेट आ गया फिर 71 में पब्लिक आ रहे, 68 में प्राइवेट आ गया और फिर 71 में पब्लिक आ रहे। सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत डिफिकल्ट वाला प्रोविजन बताऊंगा पब्लिक कंपनी के बारे में, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी। चलो नहीं, इतना भी इजी नहीं है। आते हैं हम पहले प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन पे। कहां पे लिखा हुआ है सर? 2 क्लॉज 68 में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 What is a private company? सुनना ध्यान से लिखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा ही लिखना, ठीक है? अपने नोट्स में एकदम प्यार से लिखना। लिखो, private company means a company having such paid up share capital as may be prescribed, having such paid up share capital as may be prescribed and which by its articles, जो अपने आर्टिकल के थ्रू तीन चीजें करता है, restricts transfer of shares, restricts transfer of shares, ठीक है, except इन केस ऑफ ओपीसी लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, और तीसरा प्रोहिबिट्स इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सर लिख लो पहले, मैं फिर समझाऊंगा उसके बाद, पहले लिख लो। उसमें सर ये जो 200 है ना, 200 के नीचे लिखो एक्सक्लूड एम्प्लॉई फॉर्मर एम्प्लॉय, एक्सक्लूड एम्प्लॉय और फॉर्मर एम्प्लॉय। सर लिखा आपने प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन,
हाँ जी, उसे मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, सुनो सर। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? बहुत सिंपल है, इधर देखो, मैं ना आपको डेफिनेशन इतना क्यों डिटेल में लिखवा रहा हूं पता है सर, ये डिटेल में इतना लिखवाने की जरूरत नहीं है, पर आप ना अभी लॉ समझ रहे हो, आप लॉ की ना एकदम बेसिक समझ रहे हो, एकदम फाउंडेशन तो है नहीं तुम्हारा, कोई बीकॉम वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, तो मैं ये अज्यूम तो करता नहीं कि आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, पढ़ के भी आए हो ना कुछ खास पढ़ के नहीं आए हो, बहुत सारी चीजें तुम्हें किस डेफिनेशन से नहीं सीखोगे, और उसके बाद वो चीजें सीख जाओगे ना, उसके बाद बाकी के डेफिनेशन में बहुत ज्यादा रंग नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा खेल नहीं है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले समझते हैं सर प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग सच पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या लिखा है सर? एक्ट में लिखा है सच पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब तुम्हारा कितना पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए वो हम प्रिस्क्राइब करेंगे। जब आप एक्ट में कभी भी लिखते हो प्रिस्क्राइब, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिस्क्राइब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड? प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि अब एक्ट ने बोला कि भैया ये जो प्रिस्क्राइब वर्ड हमने लिखा ना, मतलब ये चीज करने का पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है, हमने एक्ट बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अब वो रूल्स बनाएगा और रूल्स में वो लिखेगा कि क्या प्रिस्क्राइब्ड है। तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए और रूल्स में लिखा कि प्राइवेट कंपनी बनने के लिए ना मिनिमम 1 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम 1 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए। तो सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ये नोटिफाई करना था मिनिमम 1 लाख का, तो इन्होंने इतना सब कचड़ा करने के जगह बस यहां पे ये क्यों नहीं लिख दिया हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख? यहां पे सीधा सीधा ये क्यों नहीं लिख दिया हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख? घुमाने फिराने की जरूरत क्या थी? व्हाट वाज द नीड? सर सुनना, पहले यहां पे मिनिमम 1 लाख ही लिखा हुआ था, इन्होंने हटा के इनको लिखा सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्यों ऐसा? क्योंकि सोच राजा, आज 1 लाख लिख दिया, ये एक्ट कब बना? मान लो ये एक्ट बना 2013 में, और फिर थोड़ा आगे चल के सोचो आप 2050 में खड़े, आप 2050 में खड़े, मेरे को बताओ इस समय जो आपने 1 लाख रुपए लिखा था, क्या आज 2050 में भी 1 लाख रुपए की वही मायने है? नहीं सर, यहां जो 1 लाख रुपए थे आज के डेट में वो शायद 20,000 के बराबर हो गए, बिकॉज वी आर मूविंग वेरी फास्ट, द इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। 2013 में जो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी वो 2050 में वो 1 लाख रुपए की वैल्यू वो नहीं रहेगी। तो सर अगर यही बात है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट। अब मैं चाहता हूं कि 1 लाख रुपए को मैं चेंज करके 10 लाख रुपए करूं। अब राजा 10 लाख रुपए करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है? अमेंडमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा बिल, बिल को ले जाना पड़ेगा लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद असेंट, और असेंट के बाद ऑफिशियल गैजेट। अरे जब तुम इतना करोगे ना एक छोटे से अमेंडमेंट के लिए, तुमको लगेगा छोड़ना यार अमेंडमेंट ही नहीं करता, रहने देता हूं, दर्द है, इतना लंबा प्रोसेस कौन फॉलो करेगा? तो सर तब आपको समझ आया, ओ छोटी छोटी बातों के लिए लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट का समय बर्बाद करके कोई जरूरत नहीं है, हम एक काम करते थोड़ा सा भरोसा ना अपने सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर लेते। सिंह जी थोड़ा भरोसा तेरे पे कर रहे, जो पेड अप शेयर कैपिटल अमाउंट है ना वो तू संभाल ले। और इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक्ट में हमने पावर दे दिया कि सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द एज मे बी प्रिस्क्राइब। और जब आप प्रिस्क्राइब कहते हो ना सर, तो प्रिस्क्राइब कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे करता है? रूल्स बना के। याद करना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया रूल्स बनाने का, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि प्राइवेट कंपनी अगर खोलना है तो उसमें कितना मिनिमम शेयर कैपिटल डालना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, वो हमारा अटेंशन नहीं है। क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बताया है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। उसके आगे क्या लिखा है? एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। सर ये आर्टिकल्स क्या होता है? व्हाट इज आर्टिकल्स? जब भी आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे ना, तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए दो मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कितने? दो मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फाउंडेशन वाले बताओ और बीकॉम वाले सुनो, क्या दो मेन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सर एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? एक लगता है एमओए, एक लगता है एओए, एक इसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम प्यार से कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या? इन डॉक्यूमेंट्स के वजह से आपकी कंपनी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, आपकी कंपनी फॉर्म हो रही है, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। तो सर एओए में क्या होता है, एमओए में क्या होता है, ये तो हम आगे चल के समझेंगे, पर आप ये समझो कि एओए जो होता है, आर्टिकल्स जो होता है, जब आप एक प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल्स उठा करके देखोगे ना, मान लो मैंने ढूंढा एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल्स उठाया मैंने, सर क्या मैं जो ही कोई नॉर्मल इंसान आर्टिकल्स देख सकता हूं? जी हाँ, दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स।
इसको कोई भी इंसान देख सकता है। तो मैं गया आर्टिकल लेने के लिए, जब मैंने आर्टिकल उठाया ना, तो राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में तीन चीजें तो पक्का लिखी हुई मिलेगी, तीन चीजें तो पक्का लिखी हुई मिलेगी। सबसे पहली चीज, ये दोबारा मत लिखना, ऊपर आपने लिख लिया, अब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। पहली चीज, आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब क्या, आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब आपने बोला शेयर्स को खरीदना बेचना इतना आसानी नहीं होगा, कुछ कुछ कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप शेयर्स बेच सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप बोल रहे हो मैक्सिमम हमारे कितने मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम हमारे 200 मेंबर्स होंगे, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। ऑफकोर्स ना यार, मैं 2000 लोगों की प्राइवेट कंपनी बना सकता हूं क्या? सर आप प्राइवेट कंपनी जब आप समझते हो ना, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, प्राइवेट कंपनी को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब, मैं बता, मेरे पापा और मेरे पापा के पांच भाई, मेरे पापा उनके पांच भाई है, टोटल छह भाई और दो बहनें, टोटल आठ लोग हैं। तुम ये मत पूछना दादाजी क्या करते थे, बहुत काम था उनके, बस बहुत बिजी होते थे, ठीक है। छह भाई और दो बहनें, आठ लोग हैं। उन आठों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक कंपनी खोलेंगे। सर क्या वो चाहते थे पब्लिक कंपनी खोले? नहीं, वो चाहते थे प्राइवेट कंपनी खोले जिसमें वो आठ लोग ही मेंबर और आठ लोग कंपनी को चलाए। सर ये तो चलो लॉजिकली समझ आते हैं, पर मैंने बोला यार मैंने एक काम करता हूं, 8000 लोगों का एक प्राइवेट क्लोजली हेल्ड कंपनी खोलता हूं। ये क्या नॉनसेंस है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का एक मैक्सिमम लिमिट होता है और लॉ ने बोला मैक्सिमम लिमिट है 200 से ज्यादा का तेरा क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बात खत्म। 200 से ज्यादा तुम्हारे नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं हो सकते। तो पहला हो गया रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हम आपको इतनी आसानी से ट्रांसफर करने नहीं देंगे। दूसरा हमने बोला मैक्सिमम लिमिट क्या है। तीसरा हमने बोला प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम पब्लिक। क्या वर्ड बोला सर मैंने? प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स। सर प्रोहिबिट्स का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिट्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट? रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या फर्क होता है? फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा है रेस्ट्रिक्शन, थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है प्रोहिबिशन। बहुत सिंपल सी बात बताता हूं सर, मेरी घर की बात बता दूं मैं आपको। मैं स्कूल में ना बहुत ज्यादा ऐसे रिलेशनशिप वगैरह की चीजें चलती थी, ठीक है। तो एक दिन मैं पकड़ाया गया, ठीक है, पापा ने पकड़ लिया। क्या क्या पकड़ लिया सर? रिलेशनशिप में हूं ऐसा उनको पता चल गया, वगैरह कुछ नहीं लिया, ठीक है, उनको पता चल गया रिलेशनशिप में है अगला। तो उन्होंने मेरे को ना स्ट्रिक्टली बोला कि शुभम आज के बाद नो रिलेशनशिप, ये सब बकवास है, ये सब चीजों से ध्यान हटाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, बिल्कुल भी ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप वगैरह तू देख लेना कॉलेज के बाद, उसके पहले तक रिलेशनशिप वगैरह का कोई सियापा स्कूल में नहीं करता है। ये किसने बोला? पापा ने। और मेरी मम्मी भूली बेचारी क्या कहती है? मम्मी कहती है कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मारवाड़ी लड़की देख लेना। कंडीशन उन्होंने, कर ले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मारवाड़ी लड़की देख लेना। सर ये जो पापा ने बोला था ना कि चलेगा ही नहीं रिलेशनशिप, इसको बोलते प्रोहिबिशन। उन्होंने कोई एक्सेप्शन नहीं दिया भाई, उन्होंने साफ मना कर दिया। पर मम्मी ने जो लगाया ना वो प्रोहिबिशन नहीं था, वो रेस्ट्रिक्शन था। मम्मी ने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन मारवाड़ी लड़की के साथ, ठीक है। तो ये फर्क समझना कि रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में फर्क होता है। प्रोहिबिशन मतलब कर ही नहीं सकते, और रेस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हो लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सर हमने क्या बोला, ऐसा तो नहीं है ना, आज एक बात बताओ, जब मेरे पापा के छह भाई लोग, जब मेरे पापा के छह भाई लोग और दो बहन मिल करके उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी खोला, और कल को अगर पापा को अपने शेयर्स किसी को सेल करने, तुम एकदम मना तो नहीं कर सकते ना, क्या करेंगे वो शेयर का? अगर उस कंपनी में मन नहीं लग रहा है वो छोड़ के तो जाएंगे, वो शेयर्स को बेचने तो देंगे, तुम रेस्ट्रिक्शन लगा दो ट्रांसफर पे। सर ये ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हो यार? आज एक बात बताओ, अगर पापा अपना शेयर जाकर के बेचेंगे और बेचते वक्त वो शेयर जाकर के बेच दिए दाऊद इब्राहिम को, और दाऊद इब्राहिम क्या बन गया? यहां पे मेंबर बन गया। अगर वो यहां पे मेंबर बन जाएगा, बाकी लोगों को अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। हमने तो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी बनाया था ना कि आपस में धंधा करेंगे हम, बाहर के लोगों को लाना होता तो पब्लिक कंपनी बनाते। तो इसलिए हमने बोला कि भैया यहां पे ना प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमने बोला रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होगा। सर किस तरह का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है? रेस्ट्रिक्शन ये हो सकता है कि जिसको भी तुम शेयर बेचोगे उसका तुमको बाकी सारे मेंबर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फेयर रेस्ट्रिक्शन, कि मेरे पापा जब शेयर जाके दाऊद इब्राहिम को बेचेंगे तो बाकी पांच भाई के और दो बहन का अप्रूवल मिलना चाहिए। अगर सबने हाँ बोला तभी बेच सकते हो, वरना नहीं बेच सकते। ये रेस्ट्रिक्शन हो गया, इट इज वेरी गुड, ठीक है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 200 होंगे, वेरी गुड सर। पर सर आपको पता है देयर इज अ टाइप ऑफ कंपनी विच इज ओपीसी, एक तरह का कंपनी होता है ओपीसी, उसको हम क्या कहते हैं? वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी मतलब कंपनी में मात्र वन शेयर होल्डर, एक लौता एक ही शेयर होल्डर है वन पर्सन कंपनी में। कौन है वो? कौन है वो? जो भी होगा शेयर होल्डर इज वन पर्सन कंपनी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप एक वन पर्सन कंपनी खोल रहे हो, क्या खोल रहे हो राजा?
अगर आप एक वन पर्सन कंपनी खोल रहे हो, उसमें भी क्या मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे? अरे पागल हो क्या, वो तो वन पर्सन कंपनी है ना, मतलब उसमें मैक्सिमम एक ही मेंबर हो सकते हैं। तो तू ये वाला प्रोविजन ना ओपीसी के मत लगा देना, जो प्राइवेट कंपनी में ये वाला पॉइंट है उसको ओपीसी में मत लगा देना। सुनो मेरी बात सर, ओपीसी बाई नेचर इज अ प्राइवेट कंपनी, जो भी प्रोविजन प्राइवेट कंपनी को अप्लाई होता है ना वही सेम प्रोविजन ओपीसी को भी लगेगा। तो ओपीसी बाई नेचर इज प्राइवेट कंपनी, पर राजा ये प्राइवेट कंपनी तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तो बोलेगा ओपीसी में अब हमारे 200 मेंबर होंगे। अरे वो वन पर्सन कंपनी है, उसका मतलब है उसमें होना ही वन पर्सन चाहिए। तो इसलिए हमने यहां पे आगे लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी मैक्सिमम नंबर विल बी 200। और तीसरा हमने लिखा है प्रोहिबिट्स इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक। अरे भाई मेरे एक बात बताओ, मैं अगर एक कंपनी खोला प्राइवेट कंपनी, उसमें हम 5 मेंबर है, कितने 5, और मैंने न्यूज़पेपर में ऐड छाप दिया कि जिसको भी आकर के पैसे जमा करने हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो और हम आपको हमारे शेयर्स देंगे। अरे अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो तुम पब्लिक कंपनी हो ना, तुम प्राइवेट कंपनी नहीं हो, तुम पब्लिक कंपनी हो। तो इसलिए हम बोल रहे हैं प्राइवेट कंपनी अगर बन रहे हो ना तो तुम पब्लिक से पैसा इन्वाइट कर ही नहीं सकते, इट विल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पब्लिक को बोल ही नहीं सकते आओ मेरे को अपना पैसा दो, ना जी ना तुम इनवाइट ही नहीं कर सकते, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और जब ये तीनों खूबी मिलेगी तब जाके आप क्या बनोगे, प्राइवेट कंपनी। अब सर देखो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग सच पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, विच बाय इट्स आर्टिकल्स मतलब बाय इट्स एओए, आर्टिकल्स मतलब विच बाय इट्स एओए। पहला रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इतनी आसानी से नहीं करने देता। दूसरा एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर टू 200, बोलता है मैक्सिमम हमारे 200 ही मेंबर होंगे। और तीसरा प्रोहिबिट्स इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, वो ये नहीं बोलता कि मेरे शेयर्स में आके सब्सक्राइब करो, बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए प्रोहिबिटेड है, मैं खुद से मेंबर्स ढूंढूंगा और उनको मैं अपने मेंबर्स बनाऊंगा, पब्लिक से इन्विटेशन नहीं मंगवाऊंगा। ठीक है समझे, समझे क्या? ठीक है सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, देखो एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता है ना, मैं बताता हूं, मैं काम करता था गिल्ड कैपिटल, आई यूज टू वर्क विथ गिल्ड कैपिटल। व्हाट इज गिल्ड कैपिटल? गिल्ड कैपिटल वाज अ वेंचर कैपिटल फर्म। सर जब मार्केट में ना, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में जब मैं अगर जाता और मेरे को सैलरी मिलती 30 लाख रुपए की, तो मेरे को गिल्ड कैपिटल ने बोला कि मैं आपको 12 लाख रुपए की सैलरी दूंगा, मतलब पागल है क्या? तो गिल्ड ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 30 लाख वाली नौकरी क्यों ना करूं भाई, मेरी 12 लाख की नौकरी क्यों करूं? उसने बोला क्यों गर्म हो रहा है, सुन मेरे पास पैसे देने के लिए, तेरे पास पैसे देने के लिए 12 लाख रुपए, पर मैं तेरे को ना साथ में कॉम्पेंसेट करने के लिए ना मैं तेरे को कंपनी का ईसॉप्स दे देता हूं। ईसॉप्स मतलब क्या होता है, आराम से सुनो, ईसॉप्स मतलब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसका मतलब क्या सर? ईसॉप मतलब मैं आपको कंपनी का, ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी का एक बहुत छोटा सा, क्या हुआ दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ जी सर, इस कंपनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, एक बहुत छोटा सा स्लाइस जो है ना वो तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैंने बोला उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आज जो 100 करोड़ की कंपनी है उसका 1% यानी कि 1 करोड़ तेरा, कल को जब वो कंपनी 1000 करोड़ की हो जाएगी तो ये 1 करोड़ कितने का हो जाएगा? 10 करोड़ का हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं यार सुनना, मैं तेरे को लाखों में थोड़ी सैलरी कम दे रहा हूं, पर आज मैं तेरे को मेरी कंपनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा दे रहा हूं, मैं चाहता हूं तू बहुत डेडिकेटेडली काम कर, काम करके मेरी कंपनी को 100 करोड़ से 1000 करोड़ में पहुंचा, जब तू पहुंचाएगा ना तो उसके शेयर का छोटा सा हिस्सा तेरे को भी मिलेगा और तू भी बहुत कमाएगा। तो ये क्या होता है सर? ईसॉप। मेरे को एक बात बताओ, जब गिल्ड कैपिटल ने मेरे को ईसॉप दिया, जब मेरे को उसने शेयर्स दिया, कंपनी का मेंबर बन गया? हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल कंपनी का मेंबर बन गया, आई एम अ शेयर होल्डर नाउ, आई एम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। अब जब मैं मेंबर बन गया तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं मेंबर बन गया, जब मैंने मान लो मैंने ईसॉप्स एक्सरसाइज कर लिए, मैंने शेयर्स खरीद लिए और मैं मेंबर बन गया, जब मैं मेंबर बन गया तो मेरे को ना वो 200 के लिमिट में काउंट करोगे। पर सर कंपनी का ये देने का इरादा क्या था? ये तो एक तरह की एम्प्लॉई की सैलरी है ना, ये तो कोई मेंबरशिप बनाने का तो इरादा नहीं था, तो इसलिए 200 की लिमिट में ऐड करना तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि गिल्ड कैपिटल ने मान लो 500 एम्प्लॉइज हायर करने की कोशिश करी तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि 200 के ऊपर तो तुम मेंबर ही नहीं बना सकते। तो इसलिए हमने बोला ठीक है एक काम करते हैं, रुक जाते हैं, हमने बोला कि भैया ये जो 200 की लिमिट जब आप काउंट करोगे ना, तो अपने एम्प्लॉइज को मत गिनना जिनको अपने नौकरी के वजह से शेयर्स मिले, नौकरी के वजह से सैलरी के बदले में अगर शेयर्स मिले ना तो उनको एम्प्लॉय के डेफिनेशन में काउंट मत करना, उनको एम्प्लॉय के डेफिनेशन में काउंट मत करना। ठीक है, क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर ठीक है। उसके बाद सर लास्ट पॉइंट सुनो दोस्तों, एक बात बताओ,
कभी कभी ना जॉइंट, जॉइंट के बारे में सुना है आपने? जॉइंट, जॉइंट शेयर होल्डर्स, जॉइंट शेयर होल्डर्स पता है आपको? जॉइंट शेयर होल्डर्स क्या होते हैं सर? जॉइंट शेयर होल्डर मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं हूं और मेरी एक दोस्त है निधि, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त है हम, ठीक है, मैं हूं निधि, और मैंने और निधि ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम ना थोड़ा सा स्टॉक, हम ना थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में मिल करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, हमने मिल करके सेविंग्स करने का डिसाइड किया, मिल करके इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया। तो हम दोनों ने मिल करके क्या किया, मिल करके पैसे लगा के 1,00,000 रुपए लगा दिए रिलायंस के शेयर्स में, रिलायंस के शेयर्स में हमने क्या कर दिया, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरे को बताओ, जब मैंने और निधि ने मिल करके 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो एक शेयर के कितने शेयर होल्डर? 2 शेयर होल्डर, तो इसको हम कहते हैं जॉइंट शेयर होल्डर। मेरे को बताओ, जब आप 200 मेंबर की लिमिट गिन रहे हो, 200 की लिमिट गिन रहे हो, तो आप उसमें मेरे को और निधि को अलग अलग गिनोगे कि दो जिसमें एक जान गिनोगे? जब आप 200 की लिमिट गिन रहे हो तो आप मेरे को और निधि को अलग अलग रखोगे कि आप दो जिसमें एक जान रखोगे, किस करोगे बताओ? हाँ, क्या करोगे सर? आप जब दोनों को, जब आप 200 की लिमिट गिन रहे हो ना, तो आप इसको दो जिसमें एक जान कंसिडर करोगे, मतलब आप इसको एक मेंबर कंसिडर करोगे, मतलब आप बोलोगे ये तो एक ही मेंबर है, बस दो अलग अलग लोग हैं उसके अंदर, आप उसको एक मेंबर कंसिडर करोगे। तो इस तरीके से आप 200 की लिमिट अराइव करोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? क्या आपके दिमाग में कोई बातें जा रही है मेरी? हाँ, तो मेरे को इस सवाल का जवाब दो। अगर मैं आपसे एक पूछूं कि एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसमें 194 मेंबर्स है जो एक शेयर होल्ड करते हैं, तो टोटल 194 शेयर्स होल्ड करते हैं। दो मेंबर है, एक मेंबर 10 शेयर होल्ड करता है, तो टोटल 20 शेयर्स होल्ड करते हैं। एक जॉइंट शेयर होल्डर है जो मैं हूं और निधि है, ठीक है, हम दोनों मिलकर के एक जॉइंट शेयर होल्डर है। उसके बाद मैं बोलूं एक एम्प्लॉई है राम, जो शेयर होल्ड करता है कंपनी का, शेयर होल्ड करता है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक एम्प्लॉई है श्याम, जो फॉर्मर एम्प्लॉई है, फॉर्मर एम्प्लॉई मतलब पहले एम्प्लॉई था, लिखने की जरूरत नहीं, तुम बस सुनो इसको, तुम इसका एग्जांपल का आंसर दे दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर फॉर्मर एम्प्लॉई है, आज वो एम्प्लॉई नहीं है, पर तो वो शेयर होल्ड करता था ना, तब वो एम्प्लॉई था, जब वो शेयर होल्ड करता था तो वो एम्प्लॉई था, मतलब एम्प्लॉई बना, शेयर्स लिए, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, आज शेयर्स होल्ड करते हैं। शाम के बारे में बता रहा हूं, मेरे को बताओ इस कंपनी में टोटल कितने मेंबर्स हैं? जब आप 200 की लिमिट गिनोगे तो टोटल मेंबर्स कितने, आप एक बार अपने हिसाब से जवाब दो इसका, फिर मैं आपको आगे लेके बढ़ूंगा। सर सुनो इसका आंसर, सर आपके 194 मेंबर्स जो है शुरू के, वो तो पूरे 194 काउंट होंगे, ठीक है। आपके जो दो मेंबर है जो 10 शेयर होल्ड कर रहे हैं, उनको आप दो गिनोगे नॉर्मल। सर नंबर ऑफ शेयर से फर्क नहीं पड़ता, इंसान से फर्क पड़ता है, तो दो मेंबर्स है वो दो हो गए। आपके जो एक ज्वाइंट शेयर होल्डर है मैं और निधि, उसको आप एक गिनोगे, ठीक है। सर जो एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज मैंने कहा आप एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करोगे, और जो फॉर्मर एम्प्लॉई भी है, तो एम्प्लॉयमेंट के वक्त ही उसको शेयर्स मिले थे ना, उसको भी काउंट नहीं करोगे, आप उसको भी काउंट नहीं करोगे। तो टोटल 197 मेंबर्स आएंगे, विच इज एकदम अप्रोप्रिएट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। 197 मेंबर्स एकदम अप्रोप्रिएट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, समझ आया तुमको? सर डिड यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, चलो भाई सुनो मेरी बात। सर ये क्या हो गया, ये आपके प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन हुआ। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन कहां पे लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज, बताओ क्लॉज बताओ सर, क्लॉज बताओ, 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन के बाद आता है आपका पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी कहां पे डिफाइंड है सर? बहुत आसान है, लिखो प्लीज, लिखो पहले अपने नोट्स में पब्लिक कंपनी कहां पे डिफाइंड है। पब्लिक कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। कहां पे राजा? 2 क्लॉज 71। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी मींस, बहुत आसान सुनना, इट मींस एनी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी।
अरे बहुत सही, पब्लिक कंपनी मीन्स एनी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, उसको हम क्या बोल दिए, पब्लिक कंपनी। ठीक है चलो, अब उसके बाद लिखो सर, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी। उसके बाद लिखो इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इवन इफ सच कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट एज पर इट्स आर्टिकल्स। इसे मेरे को इसका मतलब समझा देगा ना, तो मेरे तरफ से आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। ये वाला सब मतलब कोई समझा दे, अगर कोई मेरे को ये बता दे कि सर इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इवन इफ सच कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट एज पर इट्स आर्टिकल, यानी कि AOA, उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। पहले वाला तो बच्चों वाला डेफिनेशन है कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, वो तो हमको बच्चों वाला डेफिनेशन है, भारत का बच्चा बच्चा कंपनी का ये डेफिनेशन जानता है। दूसरे वाले डेफिनेशन का मतलब क्या है, दूसरे वाले डेफिनेशन का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो बताता हूं, ठीक है, सुनना राजा। पहला है अडानी लिमिटेड, अडानी लिमिटेड की एक सब्सिडरी होगी अडानी ग्रीन लिमिटेड। सर क्या ये एक पब्लिक कंपनी है, हाँ। क्या ये एक पब्लिक कंपनी है, जी हाँ सर, दोनों पब्लिक कंपनी है। क्यों, क्योंकि जब एक प्राइवेट कंपनी होती है तो आपको पता है उसके नाम के आगे वर्ड यूज होता है प्राइवेट लिमिटेड, नाम के आगे वर्ड यूज होता है प्राइवेट लिमिटेड, यहां पे दोनों लिमिटेड है, दोनों पब्लिक कंपनी है, तो दोनों 271 वाले पब्लिक कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर मैं अगर आपको बोलूं कि एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी एक है रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है, यानी कि सब्सिडरी मतलब मैं तुमको सब्सिडरी आगे चल के समझाऊंगा, पर तुम अभी समझ लो 70% शेयर होल्डिंग है, मान लो 70% शेयर होल्डिंग है। मेरा सवाल है ये कंपनी क्या है, ये कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी है, ये कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी है। मैं अगर आपसे पूछूं रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड क्या ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है, तो आप बोलोगे सर मैं आपको बताता हूं रिलायंस जियो के ना, अगर आप रिलायंस जियो का AOA उठा के देखोगे तो उसमें तीन चीजें लिखी हुई मिलेगी। पहला, वी रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हम आपको इतनी आसानी से ट्रांसफर करने नहीं देंगे, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होगा, और तीसरा हमको पब्लिक से कोई पैसा नहीं चाहिए, ये तीनों चीजें लिखी होती है। मेरे को बताओ रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड जो है वो पब्लिक है कि प्राइवेट है। सर द आंसर इज रिलायंस जियो इज अ पब्लिक कंपनी, व्हाई, because it is a subsidiary of a public company, so a subsidiary of a public company is also a public company। अगर आप एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो तो भी आप पब्लिक कंपनी बनोगे, भले आप फिर दिल से प्राइवेट क्यों ना हो। सर आप अपने आर्टिकल से भले ही प्राइवेट हो गए पर फिर भी हम आपको पब्लिक मान लेंगे, क्यों, क्योंकि आप एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो तो हम आपको पब्लिक कंपनी मान लेंगे। सर एक बार ये समझा क्या, पढ़ो एक बार, पब्लिक कंपनी इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अगर आप किसी पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो तो भी आप पब्लिक कंपनी माने जाओगे, इवन इफ सच कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट एज पर इट्स आर्टिकल। तुमको ना अपना AOA चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने आपको एज ए आर्टिकल में एज अ प्राइवेट कंपनी कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब कंप्लायंसेस की बात आएगी ना तो आपको पब्लिक कंपनी बोला जाएगा। सर सेशन खत्म करने के पहले बस एक बात बताता हूं, ऐसा क्यों, मतलब ये रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड तो क्लियरली प्राइवेट कंपनी है ना, उसको पब्लिक क्यों बनाया, क्योंकि मेरी बात सुनना। सबसे पहले सर प्राइवेट और पब्लिक डिफाइन करने का रीजन क्या था, व्हाई डिड आई डिफाइन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी सेपरेटली, दोनों को अलग अलग क्यों किया मैंने। अलग अलग करने का कारण यह है कि पब्लिक कंपनी सर जनरली ना हम कंपनीज एक्ट बनाए क्यों, कंपनीज एक्ट हमने बनाया कंपनीज को रेगुलेट करने की। देखो यार मेरे को ना प्राइवेट कंपनी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जैसे कि मैंने बोला मेरे पापा और ताऊजी और बुआ जो मतलब पापा की बहनें, वो आठ लोगों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाई, जो आठ लोगों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाई है अगर उसमें फ्रॉड होता भी है तो कितने लोगों का पैसा जाएगा, वो आठ लोगों का। लॉ ने बोला मैं क्या आठ लोगों का दिमाग लगाता बैठू क्या, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को फर्क पड़ता है उस कंपनी में जिसमें पब्लिक के पैसे लगे हुए हैं, बिकॉज दैट इज वेयर मेरी सरकार गिर सकती है। अगर एक नया सत्यम स्कैम हो गया तो उतनी ताकत से वो बीजेपी को गिरा देगा, तो इसलिए इट इज वेरी इजी कि मेरा सरकार बदल जाएगी तो मेरे को पब्लिक कंपनी को बचाना है संभालना है। मैं ना अगर पब्लिक कंपनी पे 100, अगर मैं प्राइवेट कंपनी पे 10 लॉ लगाता हूं ना तो मैं पब्लिक कंपनी पे 100 प्रोविजंस लगाता हूं। मतलब पब्लिक कंपनी के लिए कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं, उनके लिए डिस्क्लोजर ज्यादा होती है, उनके लिए बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। सर अब
मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर है और रिलायंस इंडस्ट्री एक पब्लिक कंपनी है और उसको पता है कि उसके लिए डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा है, फिर उसको अगर फ्रॉड करना है तो वो क्या करेगा पता है? एक सब्सिडरी कंपनी खोलेगा, सब्सिडरी कंपनी पे प्राइवेट कंपनी रखेगा, प्राइवेट कंपनी में क्या करेगा फ्रॉड। और तुम बोलोगे अरे हम तो इससे कोई डिस्क्लोजर मांग ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी है तो भैया उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। अरे पर अगर ऐसा हो गया तो पूरा पर्पज ही डिफीट हो गया ना, फिर पब्लिक और प्राइवेट अलग अलग क्यों कर रहे हो? तुम अलग अलग इसलिए कर रहे हो ताकि जो भी पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, सर आप अगर ध्यान से देखोगे तो रिलायंस अपना पैसा जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो तो पब्लिक का ही पैसा है ना। रिलायंस ने पब्लिक से पैसा लिया और उस पैसे को सब्सिडरी में डाइवर्ट कर दिया, क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया। तो हमको इसका भी हिसाब किताब चाहिए, इसलिए हमने बोला तू लग रहा है प्राइवेट पर तू है पब्लिक। तू है पब्लिक मतलब क्या, दिल से भले तू प्राइवेट रह जा पर कंप्लायंसेस के लिए तेरे को पब्लिक कंपनी बनाएंगे। कंप्लायंसेस के लिए क्या बनाएंगे? तेरे को पब्लिक कंपनी बनाएंगे ताकि तेरे से जो भी डॉक्यूमेंट मांगना चाहे, जो भी डिस्क्लोजर मांगना चाहे, वो सब हम तेरे से करवा सकते हैं। तब जाके मजा आएगा ना बिडू, तब जाके हम उसको क्या कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे ना। इसीलिए हमने क्या किया, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को अलग अलग किया। उम्मीद है आपको समझ आया हो। ठीक है, कल की क्लास में सर क्या करने वाले हैं? कल की क्लास में हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस करेंगे और कल की क्लास में हम लोग सारे डेफिनेशंस जो रेलेवेंट है हमारे लिए वो सारे हम खत्म करेंगे और बाकी जो छोटे मोटे डेफिनेशंस है वो आगे की सेशंस में अपन कवर करेंगे। पर कल हम मेजरली जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो सारे हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आने वाले सारे क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल और परसों की क्लास में धीरे धीरे हम अपना पेस पकड़ेंगे, हो सके तो अब आप लोग कल की क्लासेस ऐप में शिफ्ट हो जाना, कल की क्लास के बाद परसों शायद हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे ना ले, कल की क्लास तक आप ऐप में शिफ्ट हो जाना। और बुक्स आप तक बहुत ही जल्द पहुंचती होगी, जिनको बुक्स नहीं मिली है आप लोगों की ड्राइव के लिंक में, ड्राइव का लिंक कहां मिलेगा? आपको ईमेल आया होगा, ये आपको अपने लॉगिन में मिल जाएगा, या तो आपको ईमेल आया होगा या फिर आपको अपने लॉगिन में मिल जाएगा। जो भी आपका ड्राइव का लिंक है उस ड्राइव के लिंक में, सर दोस्तों कुछ मैंने मॉनिटर्स बनाए क्लास में, मॉनिटर्स आप लोग हेल्प कर दो किसी बच्चे को, अगर ड्राइव की लिंक या टेलीग्राम की लिंक नहीं मिलेगी वो अगर ग्रुप में मैसेज डाल रहे प्लीज उनकी हेल्प कर देना, पर प्लीज एक दूसरे की हेल्प करो राजा, ठीक है? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों के लिए ना आप एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आपको बहुत जल्दी रेजोल्यूशन मिल जाएगा। मैसेज करो ड्राइव की लिंक नहीं मिल रही है, कोई आपको डाल देगा टेलीग्राम में, आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हो ना तो उसी टेलीग्राम में मैसेज कर दो। सबसे बड़ा सवाल, सर टेलीग्राम की लिंक कहां से मिलेगी? दो दिन रुक जाओ, जब मैं ऑफलाइन आ जाएगा ना यूट्यूब से जब हट जाएगा तो मैं स्क्रीन पे आपको स्कैन करवा के टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अंटिल देन आपके मेल पे भी आया होगा और आपके लॉगिन में भी होगा टेलीग्राम का लिंक। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, बस जो नोट्स में आपने लिखे हैं वो कल पढ़ के आना, बाकी मैं कल क्लास में रिवाइज कराऊंगा। कोई होमवर्क नहीं दे रहा बिकॉज अभी अपन पेस अपना बिल्ड कर रहे हैं। और ड्राइव में मैं बता रहा था, ड्राइव में आपको मेरे समरी नोट्स का पहला चैप्टर, समरी नोट्स का पहला और दूसरा चैप्टर और क्वेश्चन बैंक का पहला और दूसरा चैप्टर दोनों आपको ड्राइव में मिल जाएगा। जिन बच्चों को नोट्स, जिन्होंने लेटेस्ट ऑर्डर किया है, आने में समय लगेगा, लाइव ज्वाइन कर रहे हो, मतलब जैसे मान लो आज अगर आपने खरीदा तो आपको आने में तो 7 दिन लगेगा, पर आपको लाइव देखना है तो फटाफट जाओ वो चार फाइल प्रिंट करवा के ले आओ, आपका काम हो जाएगा, आप बिंदास अगले 10 दिन तक निश्चिंत होगे, 10 दिन तो नहीं, हाँ 10 दिन तक बिंदास निश्चिंत होकर के बैठ सकते हो। ठीक है, तो गाइस दैट्स इट, I really hope that you enjoyed the session. I really, really hope you loved the session. Do let me know in the comment how did you find it, how helpful was it, how interesting was it. रुक के एक मिनट रुक के बता के जाना, ठीक है? और मैं आपसे मिलूंगा कल की सुबह 10 बजे sharp to continue our classes with more aggression, more concept and more clarity. Notes ले आना, जो भी खरीदना है आपको 2-3 कलर के पेन खरीद लेना और मैं आपसे कल मिलूंगा, ठीक है? I really hope you enjoyed this session. I'll see you all tomorrow. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. आपके कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप मुझसे, आपके अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। सचिन कहते लव यू सर। कुछ डाउट्स हैं आपके? मजा आ गया, चलो वेरी गुड, बस यही मजा मैं देश के हर इंसान को देना चाहता हूं। वो डायलॉग सुना है तुमने राहुल गांधी वाला? ये नोट्स मैं ड्राइव में अपलोड कर रहा हूं आपके, देखो आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड है 90 आवर्स वाला, इसमें मिलेगा आपको। क्लास नोट्स में अगर आप जाओगे
तो यहाँ पे आपको स्क्रिबल नोट्स मिलेंगे, यहां पे आपका चैप्टर वन सेव हो गया। ठीक है गाइस, सर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जांपल बोलो। जैसे मैंने बोला एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो आपका नोटिफाइड है। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग कितने देर में अवेलेबल होगी? 24 आवर्स, नॉट बिफोर, नॉट बिफोर दैट, 24 आवर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। चलो गाइस, ऑनलाइन यूट्यूब वाले बच्चों, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे रजिस्टर कर सकते हो, और मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द। ठीक है।